नमस्कार दोस्तों, BSA ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के आप लोग के इस उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा की क्लास में आज मैं आप सभी के लिए 18 जून 2018 को जो आपकी परीक्षा आयोजित की गई थी तो पूरा पेपर आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तो मिशन है अब होगी वर्दी अपनी। तो पूरा दोस्तों आज यहां पर 150 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मैंने आप लोगों के लिए, तो पूरा पेपर कम्प्लीट सॉल्व करवाया जाएगा। सबसे पहले पेपर को सॉल्व करें, आप लोग को बता दें ये आपका एग्ज़ाम चार पार्ट में डिवाइड रहता है, चार सेक्शन रहते हैं। सबसे पहला सेक्शन रहता है आप लोग का सामान्य ज्ञान का, आपके GS के यहाँ पर आप लोग के 38 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आप लोग UP कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का पुलिस आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं, पुलिस बोर्ड के द्वारा कैसे क्वेश्चन रहते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं क्या लेवल रहता है। उसके बाद आपके 37 क्वेश्चन, तो अगर आपके दोस्तों अगर GS के 38 आते हैं तो 37 क्वेश्चन जो आप लोग के इसमें हिंदी के आते हैं, हिंदी बहुत टफ नहीं आती है लेकिन बहुत इजी भी नहीं आती है, नॉर्मल लेवल रहता है। तो कैसा लेवल रहने वाला है तो देख सकते हैं, ऐसा ही पेपर आपका रहेगा इस बार। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के 38 क्वेश्चन रहते हैं। मैथ्स आप लोग के बिल्कुल जो है आप लोग के मॉडरेट लेवल की रहती है, हार्ड तो नहीं आती लेकिन मॉडरेट लेवल की जरूर पूछ जाती है। और रीजनिंग का लेवल भी जो है आपका लो नहीं है, अच्छा लेवल रहता है रीजनिंग का। तो टोटल 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज यहाँ पर पूरे पेपर का एनालिसिस कराएंगे 150 क्वेश्चन का। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर के जितने भी आप लोग के इंपॉर्टेंट पेपर हैं, चाहे वो आप लोग का UPSI का हो, आरक्षी पुलिस का हो, नागरिक पुलिस का हो, तो सारे कंप्लीट पेपर आप लोग को सॉल्व करवाए जाएंगे। इससे आप लोग का एक बैकअप तैयार हो सकेगा कि एग्ज़ाम कैसा आता है और आपको किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका करंट अफेयर से पूछा गया था, क्योंकि पेपर आप लोग का 2018 का है तो यहाँ पर 16 और 17 के बीच ही करंट अफेयर पूछी गई थी। जैसे कि आपको बताना है किस भारतीय राज्य ने वर्ष 16-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया है। तो फिलहाल इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अब आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताता हूँ, सही जवाब होगा आपका सी वाला, महाराष्ट्र। तो देख सकते हैं आपका एक क्वेश्चन करंट अफेयर का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये आप सभी के सामने। अब अगला क्वेश्चन आप लोग का देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया है? तो सभी लोग बताएंगे एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा। जैसे कि भारत के संविधान की बात करें, हमारे भारत का संविधान जो है आपको मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करता चलूँगा, 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसके पहले संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियां गठित हुई जिसमें प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान निर्माण से संबंधित बहुत सारे जो थे कार्यों को करने के लिए कई सारी समितियों को गठित किया गया जिसमें प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा हाथों से लिखा गया था। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग जानते होंगे। तो दोस्तों आप लोग को बता दें एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा, सही जवाब होगा आपका प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। तो जो हमारे भारत का संविधान के जो मूल दस्तावेज हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको किसके हाथों से लिखा गया है? तो ये लिखा गया है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप लोग का एक कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आप लोग का साइंस का है। अब साइंस का क्वेश्चन है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन B7 की बात करें, पहली बात तो इसका रासायनिक नाम पूछा गया तो आपको बता देते हैं, B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या नाम है? बायोटीन है। और ये मुख्य रूप से प्राप्त होता है जिगर से। ये दोस्तों प्राप्त किससे होता है ये भी आपको पता होगा लेकिन फिर भी आपको बताते चलेंगे हर एक चीज़ को। तो यह मुख्य रूप से जिगर से प्राप्त होता है, यह कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? तीसरी बात इसकी कार्बनिक यौगिक है। चौथा पॉइंट इसका ये जल में घुलनशील भी है। दोस्तों विटामिन B7 जो हमारा जल में घुलनशील है, ठीक है। तो देखिए विटामिन बी और सी दोनों ही आप लोग के जल में घुलनशील हैं और ADE के विटामिन जो आपके बसा में घुलनशील है, तो ये जल में घुलनशील है। और एक बात और बता देते हैं, अगर हमारे बॉडी में बायोटीन की कमी होती है तो बायोटीन की कमी के कारण जो है त्वचा रोग, त्वचा संबंधी रोग होते हैं। चलिए विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? यह है बायोटीन। तो तीसरा क्वेश्चन आपका साइंस का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग का, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है ना, पारंपरिक सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, फिलहाल स्पोर्ट्स से भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो मेजर ध्यानचंद भारत के भूतपूर्व हॉकी खिलाड़ी और टीम के कप्तान रहे हैं।
और ध्यानचंद की बात करें तो 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये भारतीय टीम के सदस्य भी थे। इनका जन्म, ये यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने यूपी में आज ही कराया था आपको, तो हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म जो हुआ था ये यूपी के इलाहाबाद ज़िले में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? इलाहाबाद में हुआ था। और एक बात और, जो आपके एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी आप लोग गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यूपी के एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है, तो इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को, ठीक है ना। तभी से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 29 अगस्त वाले दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और मेजर ध्यानचंद को एक बात और भी है, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इनका जन्म हमारे यूपी के इलाहाबाद में हुआ था और राष्ट्रीय खेल दिवस इनके जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, जो कि 29 अगस्त डेट है। कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी यूपी का ही है, कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इनका मूल नाम था इनका दोस्तों, सबसे पहली बात आपको बता दें, धनपत राय। आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे इनका जो मूल नाम था ये था आपका धनपत राय, ठीक है ना। तो गबन, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। खैर इनका जो जन्मस्थान है वाराणसी माना जाता है। तो दोस्तों वाराणसी के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। वाराणसी में एक आपका गांव है, लम्ही नाम है उसका, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, देखिए 2 क्वेश्चन अब आप लोग के यूपी के आ चुके हैं इस एग्ज़ाम में, इसी हिसाब से तैयारी करना। 3रा क्वेश्चन यूपी का ये है, आप देख सकते हैं यूपी कितना इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने हर एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय? देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें, मैंने कई बार आपको बताया जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है ये हमारे यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय आपका? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। चलिए अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन आपके सामने। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? आप देख सकते हैं दोस्तों आप लोग का यहाँ से 1, 2, 3, 4 ये 4था क्वेश्चन आप लोग का यूपी से पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका डी वाला, कन्नौज। तो सबसे पहली बात आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाता है, जिसका मतलब होता है, आप लोगों ने देखिए याद क्या करके पढ़ कर गए होंगे सभी लोग, यहाँ पर इत्र का शहर कहा जाता है कन्नौज को, ठीक है ना। लेकिन इत्र का शहर का मतलब होगा पूर्व का ग्रास। तो कन्नौज में गुलाब जल, इत्र आदि बनाने के जो है कारखाने हैं। कन्नौज का ऐतिहासिक महत्व भी है, इसे जो है आपका कान्या कुंभज नाम से भी जाना जाता है। चलिए फिलहाल इत्र का शहर आप लोग का कौन सा है? कन्नौज को कहा जाता है, ठीक है ना। और अगला नाम आपका ये है कि पूर्व का ग्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने। चलिए किस पड़ोसी देश को, अब अगला क्वेश्चन आप लोग का अलग आया कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन ये कहा जाता है भूटान को। तो अगर दोस्तों यहाँ से आप लोग का आंसर डी आ रहा है, भूटान, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखते रहिए लेवल कैसा है। अब ये क्वेश्चन करंट का था लेकिन फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ राइट आंसर। 2017 में कजुआ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का साहित्य। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो अभी तक मैंने क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए हैं, जो बताए हैं अभी बिल्कुल जस्ट अभी, उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? अब ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली महिला है। तो पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की जो पहली महिला नेत्री थी ये कौन है? तो ये थी फिलहाल आप लोग की शेरी रहमान। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि शेरी रहमान ये पाकिस्तानी राजनेता और पूर्व राजनयिक हैं। इन्हें पाकिस्तान की संसद के उच्च सदन सीनेट में विपक्ष की महिला पहली महिला नेता के रूप में चुना गया है। और ये किस पार्टी से रिलेटेड है? ये पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी से रिलेटेड है। खैर अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? अब एक क्वेश्चन आप लोग का टेक्नोलॉजी से पूछ लिया गया है, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। मैंने वीडियो आपकी अलग से प्रोवाइड कराई है, क्लास भी आपको मैं डेली प्रोवाइड कराता हूँ अलग अलग टॉपिक वाइज, उनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो सही जवाब होगा आपका ब्रह्मोस। ब्रह्मोस की बात करें थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देते हैं। ब्रह्मोस जो है एक कम दूरी की
रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी, पानी के जहाज से, विमान से, जमीन से भी छोड़ी जा सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रूस की आपकी एनपीओ मसिनो स्ट्रो, ठीक है ना, मसिनो स्ट्रो येनिया तथा भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के संयुक्त रूप से इसका विकास किया गया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो तैयार किया गया है किसकी सहायता से किया गया है, हमारे इंडिया ने रूस की सहायता से संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि अगर एग्जाम होता भी है तो को रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है किसके, रूस और भारत के संयोग से संयुक्त रूप से इसको बनाया गया, रूस और भारत का संयोग है इसमें, ठीक है। और रूस की जो आप लोग की जो एनपीओ है ये आप लोग की मसिनो स्ट्रो येनिया। और अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अगर ट्रेन की बात करें तो देखिए आप लोग जानते ही होंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच दो पार सीमा ट्रेन चलाई जाती हैं। इसमें पहली आप लोग की थार एक्सप्रेस है जो जोधपुर और कराची वाया मुनावा खोखरा पार बॉर्डर तक जाती है, यह बर्स 1965 से चलाई जा रही है। और दूसरी आप लोग की समझौता एक्सप्रेस जिसके बारे में अक्सर आप लोग के साथ डिस्कस करता रहता हूँ, ये दिल्ली लाहौर लाइन पर अटारी बाघा बॉर्डर तक जाती है, यह बर्स 1976 से चलाई जा रही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कितनी ट्रेनें चलाई जाती है, पहली आप लोग की कौन सी है वो है आप लोग की थार एक्सप्रेस और दूसरी कौन सी आप लोग की समझौता एक्सप्रेस है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था। अब देखिए करंट का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं सीधे आपको बताता हूँ, कैम्ब्रिज एनालिटिका इसका राइट आंसर होगा, इस पर फोकस मत कीजिएगा, ठीक है ना। जिस पर फोकस नहीं करना मैं बता दूंगा, अब ये क्वेश्चन भी फोकस करने वाला इतना नहीं है, सीधे आंसर जान लीजिए आप लोग क्योंकि करंट का है, तीसरा क्वेश्चन है करंट का पूछा जा रहा है कि 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी फिलहाल नई दिल्ली में, स्किप कर दीजिए इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार जो आपका सहायक संधियों के माध्यम से हुआ है, जो गवर्नर जनरल किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इसकी शुरुआत की गई थी, चलिए बताइए। देखिए ये थे लॉर्ड वेलेजली। अगर हम बात करें हमारे इंडिया में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार तो ये फिलहाल आपका सहायक संधियों के माध्यम से हुआ है, जो गवर्नर जनरल कौन थे आपके, लॉर्ड वेलेजली, इनके शासनकाल में शुरू की गई थी। किसके शासनकाल में दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली के। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिलहाल ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन ये है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य किसको सौंप दिया गया। अब ये क्वेश्चन भी आप लोग का हिस्ट्री में ही आता है, मैंने आप लोग का जब 6th चैप्टर पढ़ाया था तब आपको बताया भी था। राइट आंसर होगा यहाँ से आपका बंदा बहादुर। देखिए सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह, ये आप लोग के 1699 ईस्वी में व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को समाप्त कर इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की दोस्तों, आप लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह ने। और इनकी मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। बांदा बहादुर जो है गुरु गोविंद सिंह के प्रिय शिष्य थे और जिन्होंने इनकी मृत्यु के पश्चात सिखों का नेतृत्व संभाला। तो अगर यहाँ से आपका आंसर बी आ रहा बिल्कुल सही होगा, एग्जैक्ट आंसर हमारा दोस्तों क्या होगा, बांदा बहादुर। और अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था। दोस्तों ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है तो चलिए फिलहाल एक बार फिर से आपको बताते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया आपके एग्जाम में, लेवल आपके एग्जाम में ऐसा ही रहेगा। देखिए क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे बहुत हार्ड तो नहीं है, अगर आपने पढ़ रखा नॉर्मली तो ये सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। तो पाकिस्तान नाम जो सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था, चौधरी रहमत अली का जन्म एक मुस्लिम गुज्जर परिवार में हुआ था और ये मुस्लिम राज्य गठन के सबसे पहले समर्थक हैं। इन्हें अलग मुस्लिम देश के लिए पाकिस्तान नाम दिए जाने का श्रेय दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका चौधरी रहमत अली। क्या नाम है दोस्तों आपका, चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान नाम जो रखा है चौधरी रहमत अली के उस पर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो किसके विरोध में छोड़ दी। तो देखिए 13 अप्रैल 1919 को आप लोगों का जो पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसके बाद देश भर में ब्रिटिश शासन की
भर्त्सना जो है की जा रही थी इस हत्याकांड के विरोध में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड तक की उपाधि वापस कर दी थी और यह उपाधि जो उन्हें ब्रिटिश प्रशासन द्वारा ही दी गई थी। तो राइट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का ऑप्शन बी वाला, बिल्कुल सही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने। दोस्तों आप सभी को यहाँ पर यह बताना है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है किस राज्य में है, गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है किस राज्य में है। तो राइट आंसर होगा यहाँ से हमारा सी वाला, महाराष्ट्र। अब देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये है वूलर झील, और ये झील आपकी कहाँ पर है आप सभी लोग जानते हैं, ये जम्मू कश्मीर में है वूलर झील, ठीक है ना। और अब देखते हैं आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का है। हमारे भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक जो है किसके संविधान के द्वारा प्रभावित है। ओके, तो ये दोस्तों आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर यहाँ से हमारा क्या होगा, सही जवाब है आपका 21 का डी वाला, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से। तो दोस्तों कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया जो है ये आप लोग की यूएसए के संविधान के द्वारा प्रभावित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के सामने, शिक्षक अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम जो है किस वर्ष में भारत संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। ये तीसरा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का आपका, तो राइट आंसर आएगा आपका सेकंड का, 22 का आपका 2009 में। तो देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं शिक्षक अधिकार जो है आपका 4 अगस्त 2009 को भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक को मंजूरी भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह ने पाटिल ने दी। दोस्तों इस विधेयक को मंजूरी किसने दी थी, जो राष्ट्रपति थे उस टाइम प्रतिभा पाटिल थी, तो उन्होंने मंजूरी दी थी। और 1 अप्रैल 2010 से भारत के सभी राज्यों में जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो सभी जगह लागू कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, महाराजा सवाई सिंह जय सिंह तो इन्होंने जो है किस एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की, कहाँ पर की। देखिए हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। तो यहाँ से राइट आंसर होगा आपका ए वाला, उज्जैन में। तो महाराजा सवाई जय सिंह सेकेंड आमेर के कछवाहा वंश के शासक थे। इन्होंने काशी में, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और जयपुर में वेधशालाओं का निर्माण करवाया, ठीक है। तो इनमें जो है पत्थर के यंत्र और नक्षत्र जो ग्रह नक्षत्रों की गणना है उनके लिए उपकरण बनाए जाते थे। तो राइट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का उज्जैन। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन, देखिए यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के बाद यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। तो ये देखिए आपका यहाँ से आ जाएगा खसरा और रुबेला। तो भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर हम बात करें, भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में सदस्यों के साथ खसरा और रुबेला यानी कि वंशानुगत खसरा लक्षण को समाप्त करने का संकल्प लिया। और यहाँ से आप लोग का जो आंसर आ जाएगा, यह आ जाएगा खसरा और रुबेला, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। वर्ष 2011 की जनगणना, आप देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर जनगणना से पूछा जाता है, तो देख सकते हैं हर सेक्शन से आप लोग के क्वेश्चन आते हैं। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपका राइट आंसर होगा इलाहाबाद। तो दोस्तों सही जवाब आपका क्या, इलाहाबाद है, तो आप सभी लोग जानते ही हैं। और अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिलहाल सभी लोग ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस रियासत ने वर्ष 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी लेकिन बाद में जन्म संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, पहली बात तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, अगर आपका आंसर बी आता है जूनागढ़, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, जान लीजिए सभी लोग। सितंबर 1947 में जूनागढ़ रियासत ने पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इस राज्य की अधिकांश जनता जो थी वो हिंदू थी, अतः जनता ने इसका विरोध कर दिया। इसके साथ ही जनता ने स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत की स्थापना भी कर ली और मजबूर होकर आपके नवाब जो थे पाकिस्तान भाग गए और जूनागढ़ के दीवान के पत्र पर 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ को भारतीय प्रशासन में स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर यहाँ से आपका होगा जूनागढ़। तो किस रियासत ने, जूनागढ़ रियासत ने। चलिए
अब आपको बताना निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में कर्क रेखा नहीं गुजरती। अब ये पहला क्वेश्चन आप लोग का है भूगोल से, भूगोल का पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा। तो जैसा कि कर्क रेखा हमारे भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है और मित्र पर घमचाधार इसकी ट्रिक है, ठीक है ना। ट्रिक क्या है इसकी, मित्र, मैं ट्रिक आपको सीधे बता रहा हूँ, आप लोग ट्रिक ध्यान रखेंगे तो आपको 8 राज्यों के नाम बताऊंगा। मित्र पर गमछा, ठीक है ना, गमछा झार, देखिए मी से हो गया आप लोग का यहाँ से, जी बिल्कुल मिजोरम, त्रास से हो गया आप लोग का त्रिपुरा, पास से हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, पास से क्या हो गया आप लोग का पश्चिम बंगाल हो गया, और देखिए आपका रा से हो गया राजस्थान, गा से क्या हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, ठीक है ना, गा से गुजरात, माँ से आप लोग का क्या हो जाएगा, देखिए मिजोरम हो चुका है, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छा से आप लोग का आ जाएगा यहाँ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड आ जाएगा, तो ध्यान रखिए झार से आप लोग का झारखंड हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 झार से झारखंड हो गया। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या है, 27 का एग्जैक्ट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ से एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है। अब ये दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का आपका चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं इसमें, देखिए तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला, तमिलनाडु। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत के तमिलनाडु के पूर्व में द्विसदनात्मक प्रणाली थी जिसे वर्ष 1986 में समाप्त करके एक सदन में इसको एक सदनात्मक कर दिया गया। उत्तर प्रदेश कर्नाटक में फिलहाल आपका द्विसदनात्मक लोकतंत्र है, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा आपका कहाँ की समाप्त कर दी गई, तमिलनाडु की समाप्त कर दी गई। अब देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन, चलिए फिलहाल सभी लोग बताएंगे यहाँ से, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के सदस्य अध्यक्ष कौन थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग जानते ही होंगे, राइट आंसर हमारा जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष थे आप लोग के जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का 5वां क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलेशिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ से राइट आंसर होगा आपका ए वाला, वीरप्पा मोइली। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें अंग्रेजी भाषा, पहली बात तो पुस्तक जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पुस्तक है अनलेशिंग इंडिया, ये वीरप्पा मोइली द्वारा लिखी गई है। इसका प्रकाशन, ये बुक आप लोग की 2009 में पब्लिश हुई थी, और वीरप्पा मोइली जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। वीरप्पा मोइली जो है ये कौन है इनके बारे में जान लीजिए, ये फिलहाल आपके कांग्रेस के एक सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। अब देखते हैं आप लोग का दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और किसके बीच पहली हम सफ़र श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की। तो 32 का करेक्ट आंसर होगा आपका गोरखपुर, करेक्ट आंसर है यहाँ से आपका गोरखपुर, स्किप कर दीजिए इस क्वेश्चन को। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी का। मैंने कई बार बताया हमारे प्रसिद्ध सूफी संत संत शेख सलीम चिश्ती जी की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर होगा आपका फतेहपुर सीकरी में। तो दोस्तों चिश्ती जी की जो दरगाह है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। और आपको बताते हैं आगरा से कुछ ही दूरी पर फतेहपुर सीकरी है, इसका निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। देखिए इसका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण करवाया था अकबर ने। यह दरगाह बुलंद दरवाजे के प्रांगण में बनवाई गई है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 34, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। सबसे ऊंची चोटी तो आप लोग जानते होंगे माउंट एवरेस्ट, लेकिन अब की बार एग्जाम में यह नहीं पूछा गया, एग्जाम में कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा गया कि तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। पहला तो हर बच्चा जानता है यहाँ पर, लेकिन तीसरा बहुत कम लोगों को पता है। तो आपको बता दें राइट आंसर होगा यहाँ से माउंट कंचनजंगा, ठीक है ना, नाम तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कंचनजंगा विश्व की तीसरी हिमालयन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है और ये सिक्किम के उत्तर पश्चिमी भाग नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, सबसे पहली बात इसकी ऊंचाई है 85,686 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। देखिए राजकीय पुष्प जो है हमारा पलाश है, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर पलाश नहीं दिया होगा तब आप लोग क्या लगाएंगे, तो टेसू भी है, ठीक है ना, पलाश या फिर टेसू, ये ध्यान रखिएगा, या तो पलास होगा या फिर टेसू होगा। तो ये जो है फिलहाल आपका फूल, ये 4 जनवरी 2011 से हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलास है और टेसू है। 36,
मनुष्य में। अब ये साइंस का दूसरा क्वेश्चन आ गया, साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, साइंस के एक दो या फिर तीन क्वेश्चन रहते हैं। मनुष्य में पित्त का उत्पादन जो है किस अंग में होता है? तो मनुष्य में जो पित्त का उत्पादन होता है, देखिए ये होता है जिगर में, यानी कि लीवर में। दोस्तों यकृत जिसको लीवर बोलते हैं, जिगर भी कहा जाता है, शरीर रचना विज्ञान है, पित्त जो है पीले रंग का एक द्रव है जो कि पाचन में सहायक होता है। यह मनुष्य की यकृत में बनता है और मानव शरीर में यकृत द्वारा पित्त का सतत उत्पादन होता रहता है तथा पित्ताशय में एकत्र होता है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है 37। चलिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसकी स्थापना सरकार के द्वारा अक्टूबर 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधीन की गई थी। सही जवाब होगा आपका 1993। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इससे जुड़ी, इस आयोग में कुल 8 सदस्य होते हैं। इस आयोग में दोस्तों कितने सदस्य होते हैं? इस आयोग में कुल 8 सदस्य होते हैं। और इसके बाद हमारे सामान्य ज्ञान का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हिंदी के हम लोग 37 प्रश्न डिस्कस करेंगे, फिर मैथ्स के और फिर रीजनिंग के, ठीक है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग आपका फफूंद यानी कि फंगस के कारण होता है? तीसरा क्वेश्चन है साइंस का, तो एग्जैक्ट आंसर 238 का क्या होगा आप लोग का? बिल्कुल सही जवाब होगा दाद। दाद एक प्रकार का आपका फंगल इन्फेक्शन है, तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? ये होगा आपका डी वाला। ओके, तो फिलहाल दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारे सामान्य ज्ञान के लेवल समझ में आ गए, कैसा स्टैंडर्ड रहता है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी हिसाब से आपको सामान्य ज्ञान को तैयार करना है। बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन ओवरव्यू पूरा पढ़ लेना, ऊपर ऊपर का सारा ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। फिलहाल मैंने हर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं जो कि आप लोग के इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं हमारा अगला सेक्शन, चाहें तो दोस्तों हम लोग हिंदी पहले कर लीजिए या फिर मैथ, आप लोग जैसा बताएं, पहले हिंदी सॉल्व करवाएं इसके बाद या फिर मैथ्स कराएं। तो चलिए फिलहाल इसके बाद हम लोग जो है मैथ्स का सेक्शन जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो मैथ्स में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे? वैसे तो यहाँ पर आपके एग्जाम में जो है 39 क्वेश्चन हिंदी का है, हिंदी मैथ के बाद डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद रीजनिंग पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मैथ्स का सेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ देना है, ठीक है। आपको दिया गया 9.87, 6.54, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आ गया 3.21, तो इन सभी को अगर आप लोग जोड़ देंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा 76 का, ये आ जाएगा 19.62। तो अगर यहाँ से आपका आंसर ए आ रहा बिल्कुल सही है। फिलहाल तो बेसिक सा क्वेश्चन था, ये तो आपको बताना भी नहीं चाहिए था, लेकिन ये एग्जाम में फिलहाल आपका आया है 2018 के पेपर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या बताना है, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए, 4/5 और 2/3 के बीच का क्या अंतर होगा ये आपको बताना है। तो 4/5 और 2/3 के बीच का अंतर आपको निकालना है। तो आपको दिया गया 4/5 और 2/3, इनके बीच का अंतर 5/3 हो जाएगा 15, 4/3 12, 5/10, अंतर आ जाएगा 2/15। तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा हमारा? 2/15। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों यहां पर आपको देना 30, 60 और 72 का मासा क्या होगा, यानी कि दोस्तों आपका HCF, ठीक है ना, मासा महत्तम समावर्तक, बता इसका HCF क्या आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपको बता, देखिए किससे कट जाएगा भैया, 30, 60 और 12, तो दोस्तों यहां से राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का 6। तो अगर यहां से आपका आंसर सी आ रहा बिल्कुल सही है, तो बिना कोई कैलकुलेशन करे आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 78 का, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आप लोग का यहां से सी। इसके बाद देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो देख सकते हैं आप लोग का मैथ्स में क्वेश्चन कितने इजी आए हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं लेवल कितना डाउन है इस पेपर का, और आप लोगों से तब भी फिलहाल बहुत सारे लोगों से बच्चों से इतना टाइम नहीं मिल पाता प्रॉपर की क्वेश्चन लगा सके, टाइम का सबसे बड़ा फाउंडेशन रहता है। अब देखिए 15, 30 और 24 इनका लासा क्या होगा, 15, 30 और 24 इसका लासा आप लोग का आ जाएगा डायरेक्ट 120, ठीक है। तो 120 लासा आ जाएगा, 15 के पारे में भी आपका 120 आता है, 30 में भी और 24 में भी, सबसे छोटी संख्या आप लोग क्या होगी। तो दोस्तों यहां से आपका एलसीएम आ जाएगा इसका 120। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन नंबर 80। दोस्तों यदि 21 चॉकलेट जो है 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी। देखिए रेशियो आपको रखा 5:7, अनुपात रखा 5:2, ठीक है ना। तो इस अनुपात में मान लिया हमारे पास ज्यादा वाले हो गए 5x, कम वाले हो गए 2x, मतलब दोस्तों क्या होगा हमारा 7x।
सात एक्स बराबर 21 दे रखा है हमें, तो x बराबर कितना जाएगा, 7 3 21 3 आ जाएगा। तो अब निकालना छोटे हिस्से के, तो 3 दूनी 6, बड़े हिस्से की पूछी जाती तो हमारा आता 15, 15 जो है बड़े हिस्से में चॉकलेट होंगी, छोटे हिस्से में 6 चॉकलेट होंगी, टोटल हमारे 21 चॉकलेट है। तो राइट आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। तो 80 का आंसर होगा फिलहाल आपका 6। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने दोस्तों, माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए हैं, तो महिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या होगा, ये आप सभी को बताना है। तो सभी लोग बताएंगे एग्जैक्ट आंसर यहाँ से आपका क्या आएगा। दोस्तों उसने अपने एक एग्जाम में, उसका एग्जाम का जो पूर्णांक है ये होता है 175, पूर्णांक में से उसने 126 अंक प्राप्त किए हैं, तो कितने परसेंट नंबर मिले उसको ये बताना है। तो देखिए पूर्णांक आपका नीचे रहता है पूर्णांक, ऊपर आ जाएगा आपका प्राप्तांक, ठीक है, और परसेंटेज बदलने के लिए 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो पूर्णांक कितने नंबर का है दोस्तों, 175 में से उसने 126 अंक प्राप्त किए हैं, मल्टीप्लाई में आप लोग का आ जाएगा 100। ओके 25 से डिवाइड करें, 25 सत्ते 175, 25 चौक 100, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, ठीक है बच्चा दोस्तों आपका क्या, 7 4 11 7 56 56, 7 8 56 18 जाएगा, 18 4 72। तो दोस्तों उसने कुल मिलाकर कितने परसेंट नंबर जो है हासिल किए हैं, तो ये किए हैं 72%। तो यहां से आप लोग का आंसर आ जाएगा 72%। क्लियर है, चलिए अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए, 35 का 12% बताना है आप लोग को। तो देख सकते हैं पेपर कितना इजी है अभी आपका, अभी भी आपका इजी है, तो 35 का 12% आप लोग निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा आपका, देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 4 3 12, 5 से करेंगे 25 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 से 35, तो 21/5 आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो 5 4 20 एक हासिल लगा, 5 2 10, राइट आंसर हमारा आएगा 4.2। तो दोस्तों यहाँ से 82 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन अब आप लोग लगाकर दिखाएंगे। इसके बाद देखिए रमेश जो है एक वस्तु को 434 रुपए बेचकर 24% का लाभ कमाता है, तो वस्तु कितनी कीमत पर खरीदी होगी ये आपको निकालना है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया 124% बराबर दिया गया 434 रुपए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया 24% लाभ, यानी कि 124% बराबर आपको क्या दिया गया, 434 आपको दे रखा है। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे जी, बिल्कुल यहाँ से आप सभी लोग जो है 1% की वैल्यू बताएंगे। तो देखिए 434 को 124 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 3.5, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से आप लोग के 350। तो अगर दोस्तों यहाँ से आप लोग कहाँ से 350 रुपए आ रहा है, बिल्कुल सही होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोग का यहाँ से 350 रुपए। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था ये आपको बताना है। हमने मान लिया खिलौने का अंकित मूल्य जो था एक्स था, ठीक है आइए लगाते हैं, खिलौने का माना हमने अंकित मूल्य एक्स था, इस पर 12% का डिस्काउंट दिया जाता है, यानी दोस्तों अभी कितने का हो गया 12% का डिस्काउंट के बाद, ये हो गया आपका 88% का। तो इसका 88% आपका 132 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो 11 8 88, 11 11 11 2 22, 4 2 8, 4 3 12, 3 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग 100 को, हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ से हमारा 50 आएगा, और 50 आ जाएगा 150। यानी दोस्तों वस्तु का जो MRP है ना वो कितना होगा, 150 रुपये होगा। तो सही जवाब आएगा दोस्तों यहाँ से आपका सी वाला, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आपको ब्याज की दर दे रखी 4%, साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा आपको बताना है, मूलधन पता है, समय पता है, और आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है आप लोग का SI बराबर P×R×T/100। तो P आपको दे रखा 2500 रुपए, R आपको पता है 4, समय है 3, अपॉन में आप लोग आ जाएगा 100, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, 4 3 12, 12 5 60, 12 2 24, 24 6 30। तो राइट आंसर आ जाएगा और एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 300 रुपए। तो दोस्तों 2500 रुपए का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज होगा 300 रुपए। तो अगर यहाँ से आपका आंसर 300 आ रहा है तो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखते हैं आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए फिलहाल सभी लोग बताएंगे यहाँ से, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अब ये क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज का आया है, 1400 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा ये आप सभी को बताना है। 1400 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 288 94। देखिए इसको लगाने का तरीका भी आता है और मैंने तरीका आप लोगों को सिखाया है और आप लोग जानते हैं, टाइम आपको देखा 2 वर्ष,
सबसे लिखेंगे यहाँ पर एक और दो, टाइम देखा हम 2 वर्ष, अब 1400 रुपए है, इसका 10% जो है पहले साल ब्याज मिलेगा, दूसरे साल ब्याज मिलेगा, अगली बार में ब्याज का ही ब्याज मिलेगा जो कि यहाँ जुड़ जाएगा, टोटल आपको कर लेना है, टोटल आपका आ जाएगा तो 1400 का 10% आपका आ जाएगा यहाँ से 140%, अगली बार भी 140 मिलेगा। इसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, 140 का 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1400 रुपए, इन सबको उठा के जोड़ लीजिए, 1428 280 आ गया हमारा, प्लस का 14 और जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 4 9 और ये 294 रुपए आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज, तो 86 का यहाँ से करेक्ट आंसर होगा बी वाला, 294 रुपए। तो अगर दोस्तों यहाँ से आप लोग आंसर बी आ रहा है तो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपए और 200 रुपए एक व्यापार में निवेश किए। अब दो लोग हैं, एक तो रवि है और दूसरी आप लोग के रश्मि है, तो इन लोगों ने व्यापार में 150 रुपए और 200 रुपए का निवेश किया है, लेकिन रवि ने कुछ महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों में रवि का लाभ और रश्मि के लाभ के बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया हो तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस निकाले थे, ये आप सभी को बताना है। चलिए देखिए, जिस क्वेश्चन को लगाने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने, ये क्वेश्चन जो है आप लोग का पार्टनरशिप चैप्टर का है, और दोस्तों मैंने आप लोग को चैप्टर पढ़ाया है पार्टनरशिप, ठीक है ना, पार्टनरशिप, ठीक है ना, यूट्यूब पे आप लोग पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आपको मैंने बताया यहाँ पर दो लोग हैं, एक तो आपका रवि है और एक आप लोग की रश्मि है, तो इन लोगों ने किस अनुपात में रुपए लगाए हैं यहाँ पर एक बार ये देख लेते हैं। रवि ने लगाए 150 और रश्मि ने लगाए 200 रुपए, तो रवि ने लगाए यहाँ पर 150 रुपए, रश्मि ने लगाए यहाँ पर 200 रुपए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ महीने के बाद ये रुपए निकाल लेता है, अब ये मान लिया इसने एक्स महीने तक रुपए लगाए होंगे, इसके बाद इसने निकाल लिए, इसने लेकिन पूरे 12 महीने तक रुपए लगाए हैं। अब बाद में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में आपका रवि का हिस्सा 1 है और उसका हिस्सा 2 है, तो प्रॉफिट यहाँ पर दे रखा है आपका कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है, तो उसने कितने महीने बाद रुपए निकाले होंगे आपको यहाँ पर ये बताना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए रवि और रश्मि का रेशियो लाभ में कितना हो जाता है आपका, तो इसका हिस्सा होता है 1, इसका हो जाता है 2। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 5 3 15, 5 4 20 हमारा आ जाएगा 3x और इधर आ जाएगा दोस्तों हमारा 1248, ठीक है ना, तो 3 और 48 आ गया हमारा। अब देखिए रवि हमारा 3x है, रश्मि हमारी 48 है, बराबर लिखा 1/2 के, ठीक है, 2 से डिवाइड करें हमारा कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 4 24 आ जाएगा और x बराबर हो जाएगा 3 8 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारे यहाँ से 8 आ गई, एक्स का मान दोस्तों हमारा कितना आया दोस्तों यहाँ से आपका 8 आ गया। तो अब देखते हैं ऑप्शन आपके क्या होगा, तो 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा सी वाला 8 महीने, तो दोस्तों अगर यहाँ से आप लोग आंसर सी आ रहा 8 महीने तो बिल्कुल सही होगा। तो क्या क्या दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पर रेशियो निकाला, उसके बाद हमने यहाँ पर उसके बराबर हमने प्रॉफिट का रेशियो रखा, दोनों रेशियो का पर आपस में बैलेंस कराया और हमारा आंसर आ गया 8 महीने, क्लियर है, उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझ गए होंगे। दोस्तों अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि 18 27 और एक अन्य तीसरी संख्या है जिनका एवरेज आपको 30 दिया गया है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी आप सभी को निकालना है। तो देखिए आपको एक संख्या दी गई यहाँ पर 18, दूसरी संख्या 27 है, तीसरी संख्या मान ली हमने x है, और इन तीनों का जो एवरेज है ये आपको दिया गया 30 है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग का। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इन दोनों को आपको जोड़ देना है 18 और 27, ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आपको 30 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 से करा देनी है, तो इधर दोस्तों यहाँ से आप लोग का क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आप लोग का 90, यहाँ पर आपका 90 आ जाएगा, और इधर दोस्तों आप लोग का क्या दिया गया है, 18 दिया गया और 27 दिया गया, इनको आप लोग ऐड कर देंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 45 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, तो एग्जैक्ट आंसर हमारा होगा डी वाला, क्लियर है दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं है, सभी को समझ में आ रहा है। पेपर का लेवल जो बहुत ही इजी है आप लोगों से, तो सारे क्वेश्चन लग ही जाएंगे। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया व्यक्ति ए जो है किसी कार्य को 48 महीने पूरा करता है, अब एक व्यक्ति आपका ए है जो एक काम को हमारे 48 महीने पूरा कर लेता है, दूसरा व्यक्ति हमारा बी है जो उसी काम को 60 मिनट में पूरा करता है, तो दोनों लोग मिलकर अगर साथ में काम करेंगे तो कार्य कितने समय पूरा हो जाएगा। सबसे पहला काम है टोटल वर्क, टोटल वर्क आपका होता है एलसीएम, ठीक है, टोटल काम कितना करना है, काम करना है आप लोगों को 240, ये 240 क्या आपका 48 और 60 का एलसीएम है। इसके बाद दोस्तों 48 को अगर डिवाइड करोगे इससे तो यहाँ पर ए की क्षमता आ जाएगी यहाँ पर 4, 48 5 240 और 60 4 240, अब ये दोनों लोग मिलकर करेंगे तो दोनों लोग मिलकर करेंगे तो आपका 1 मिनट में 9 काम होगा, इन लोगों को 240 काम करना है, ठीक है ना, तो 9 की स्पीड से होगा, तो यहाँ से राइट आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 9 दुनिया 18, 6 नीम 54, ठीक है ना,
18 आ जाएगा दोस्तों, आपका कितना बचेगा यहाँ पर 60 बचेगा, 54 आ जाएगा बचेगा फिर आपका ये, तो यहाँ से आप लोग आ जाएगा देखिए 26 मिनट आगे दोस्तों 40 सेकंड। तो अगर दोस्तों यहाँ से आप लोग का आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, राइट आंसर आपका ए होगा। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, राजेश जो है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल रहा है, मतलब पैदल चलने की उसकी जो चाल है वो है 5 मीटर प्रति सेकंड, और आपको दिया गया या फिर 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल चला सकता है। मतलब अगर राजेश पैदल चलता है तो उसकी चाल होगी 5 मीटर प्रति सेकंड, और अगर साइकिल से जाता है तो उसकी चाल कितनी होगी दोस्तों आप लोग की, तो उसकी चाल होगी 20 मीटर प्रति सेकंड। तो पैदल चलने में चाल उसकी जो है वो है 5 मीटर प्रति सेकंड, और अगर साइकिल से जाता है तो उसकी चाल होगी 20 मीटर प्रति सेकंड। आगे पढ़ते हैं, वह परिवहन के दोस्तों अगर वो जाने के लिए दोनों ही तरीकों के संयोजन से, दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी तय करने के लिए सिर्फ 45 सेकंड का समय लेता है, तो राजेश ने कितने सेकंड तक साइकिल चलाई है आपको सिर्फ यहां पर ये बताना है। अब चलना कितना दोस्तों उसे 600 मीटर चलना है, 45 सेकंड तक चला है, 600 मीटर उसे चलना है, 45 सेकंड तक चलता है, तो साइकिल के द्वारा उसने कितनी दूरी कितने समय में तय की है बताना है। तो मैंने माना साइकिल द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, हमने दोस्तों यहां पर लिखा साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ये हो जाएगी आपकी x मीटर। अगर साइकिल से वो x मीटर की दूरी तय करता है तो पैदल दोस्तों कितना चलता होगा वो, क्योंकि टोटल जाना उसे 600 माइनस x, तो पैदल चलेगा आपका 600 माइनस x। अब आपका होता है समय बराबर दूरी बटे चार दोस्तों दोनों के। अब देखिए यहां पर आपको क्या दिया गया, परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी तय करता है, तो 45 सेकंड का टाइम लगता है 600 मीटर की दूरी तय करने में। अब लिख लेते हैं यहां पर समय लग रहा है हमें 45 सेकंड दोनों के संयोजन से, मतलब पहले जाएगा आपका साइकिल से, हमने माना साइकिल से एक्स जाएगा, चाल है साइकिल की 20 लिखा, प्लस क्योंकि दोनों का संयोजन दे रखा है परिवहन के दोनों संयोजन से, और दूसरा हो जाएगा आपका 600 माइनस एक्स, यहां पर पैदल चलने की यात्रा जो है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो वहां पर एक्स जो आ जाएगा, एक्स सॉल्व करने पर आपका दोस्तों कितना आ जाएगा, यहां से सॉल्व करिए ये कट जाएगा और यहाँ से, हाँ बिल्कुल यहाँ से आप लोग आ जाएगा 500 मीटर। अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ से 500 मीटर आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको साइकिल चलाने में साइकिल द्वारा तय की गई दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा, कितने समय तक साइकिल चलाता है, तो दोस्तों कितने समय तक साइकिल चलाता है समय निकालना है, समय आ जाएगा दूरी है 500, ठीक है, और चाल उसकी देखिए साइकिल कितनी है 20 दे रखी है, तो यहां से आ जाएगा देखिए 0-0 कैंसिल हो जाएगा, 25 सेकंड आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है साइकिल जो उसने कितने सेकंड चलाई होगी, 45 सेकंड में से 25 सेकंड जो उसने साइकिल चलाई है, बाकी का जो टाइम बचता है उसमें उसको पैदल चला है, तो एग्जैक्ट आंसर यहां से होगा आपका सी वाला 25 सेकंड। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको दिया गया तुहिन और प्रणव जो है ये किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं, तो 30 हो गया हमारा तुहिन और 30 हो गया प्रणव, तो तुहिन और प्रणव ये किसी कार्य को आपका 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं, कार्य की समाप्ति तक तुहिन से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से एक मिनट काम करते हैं। देखिए सबसे पहला काम है आप लोग का 42 और 70 का एलसीएम लेना, तो 42 और 70 का हमने एलसीएम लिया है, हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा 7×6=42, 7×7=70 आ जाएगा, ठीक है 7 आ गया, फिर आपका 2 आ जाएगा, 2×3=6=10, 5×3=15 आ गया, 15×2=30 और 7×3=210, हमने मान लिया हमारा एलसीएम आ गया 210, ठीक है। तो चूंकि अब हमारा एलसीएम आ चुका है 210, अब सबसे पहला काम है दोस्तों 210 को जो आपको दे रखा है इसको 42 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 42 पंजी होता है 210, 7×3=21 होता है तो 70 हो जाएगा 210। अब चूंकि जो है शुरुआत कौन करता है, तोहिन करता है, यानी दोस्तों तोहिन से शुरुआत करते हैं, शुरुआत कौन करता है, तोहिन करता है, ये आपका एक मिनट में, ये आपका एक मिनट में 5 काम करता है, और अगली बार जो आपका कौन आएगा आपका यह आ जाएगा आपका पी से प्रणव, ये अगली बार 3 काम करता है। तो इस तरीके से आप लोग का 2 मिनट में केवल कितने काम होते हैं 5 से 8 ही काम होते हैं, ठीक है ना। आपको काम कराने 210, लेकिन अभी सिर्फ दो ही कितने काम हो रहा है, सिर्फ आपके 8 काम हो रहा है 2 मिनट में और करने 210 है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई किससे कराएं कि हमारा यहाँ पर आ जाए आपके 210 बन जाए, तो 8 की मल्टीप्लाई देखिए अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर 8 की मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे तो हमारा कैसे 80 आ जाएगा, अगर 8 की मल्टीप्लाई 100 से कराएंगे तो हमारा 800 ज्यादा आ जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई 50 से कराएंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है ना, 50 से कराएंगे तो 25 से करा के देख लीजिए, 8 की मल्टीप्लाई अगर 25 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा 200 आ जाएगा, ठीक है। हमने दोस्तों क्या किया, हमने
मल्टीप्लाई करा दी आज की मल्टीप्लाई 25 से कराई, 25 दुनिया हो गया 50, तो हमारा आ जाएगा 50 मिनट में जो है 200 काम पूरा हो जाता है। अब अगली बार फिर से तुषार करेगा 5, यानी कि अगले 1 मिनट के बाद तुषार करेगा यहाँ पर 5 काम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर कौन करता है यहाँ पर देख सकते हैं, अब हमारा देखिए 51 मिनट में कितना काम हो गया, 51 मिनट में 205 काम हो गया है। लेकिन अब आप सभी को यहाँ पर 210 काम करवाना है। तो देखिए और एक बात आपको कंडीशन रखी कि अंतिम पारी को 1 मिनट से कम समय में जो है काम को पूरा करने की अनुमति है, ठीक है। तो 205 काम हो चुका है, 51 मिनट हो गए हैं, 210 काम होना। अब अगली बारी दोस्तों यहाँ पर प्रलब की है, ये करेगा आप लोग का यहाँ से 3 काम, हमारा 52 मिनट में दोस्तों कितने हो जाएंगे, यहाँ से 208 काम हो जाएंगे, 52 मिनट में 208 काम हो जाएंगे। अगली बार दोस्तों आप लोग का जो है तुषार आएगा जो कि एक बार 5 काम करता है, तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 52 मिनट 24 सेकंड। दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 52 मिनट 24 सेकंड। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग का 52 मिनट में जो है आप लोग का कितना काम हो रहा है, 52 मिनट में आप लोग का जो है 208 काम हो जाता है। हमें दोस्तों यहाँ से निकाल लिया कि 52 मिनट में हमारा कितना काम होता है, 208 हो जाता है, 52 मिनट में 208 काम हो जाता है। अगली बार में आप लोग का कौन आएगा, 5 आएगा, लेकिन हमें काम चाहिए सिर्फ 2, तो यहाँ से लिखेंगे 2 और यहाँ पर आ जाएगा आप लोग सीधे क्या, यहाँ पर आ जाएगा 2/5। तो 2/5 को अगर हम लोग सेकंड बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 10, 12 × 24, तो 24 सेकंड आएंगे। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा। तो क्या किया एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको दिया गया था तुहिन और प्रणव, ये एक काम को 42 मिनट में कर सकता है, ये काम को 70 मिनट में कर सकता है। हमने एलसीएम लिया, हमारा एलसीएम आ गया 210, 42 × 5 = 210, 70 × 3 = 210। फिर हमने देखा कि पहले काम शुरू कौन कर रहा है, तुहिन काम शुरू करता है, यानी तुहिन जो है तुहिन काम शुरू करता है, ये 1 मिनट में जो है 5 काम करता है। अगली बार आपका दूसरा आता है प्रणव, ये 1 मिनट में आपका 3 काम करता है। तो टोटल 2 मिनट में हमारा कितना काम हो जाएगा, 2 मिनट में 5 × 8 काम हो जाता है। फिर हमने यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करी 52 से, ठीक है ना, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई करी हमने यहाँ पर 26 से, तो 26 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, ऐसे देख सकते हैं आप लोग, 26 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे हमारा आगे 208। तो दोस्तों 208 काम हो गया यहाँ पर, 56 × 6 = 52, तो 52 मिनट में केवल 208 काम होगा। अगली बार आपका तुषार आएगा 1 मिनट के लिए, ठीक है ना, तो 1 मिनट में ये काम करता है 5, लेकिन अब हमें 5 काम तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए दोस्तों 210 तक, 8 हो चुका, हमें चाहिए यहाँ पर 2, तो 2 बनाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 से डिवाइड करेगा और 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 2/5 मिनट में कितना काम होगा, 2 काम हो जाएगा और ये बन जाएगा 210। और इधर हमने 2/5 को बदला सेकंड में, ये मिनट दे रखा था 2/5 मिनट का भाग था, इसको सेकंड में 24 सेकंड आ गया, हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 52 मिनट 24 सेकंड, ठीक है। अब देखिए आपको बताया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध से निकटतम समानता रखता है, घी का आपका संबंध रखा वनस्पति से। अब देखिए क्या रिलेशन है, जिस प्रकार घी में वनस्पति की मिलावट की जाती है उसी प्रकार दूध में मिलावट के लिए पानी मिलाया जाता है, तो यहाँ से राइट आंसर होगा आपका ए वाला। तो अगर दोस्तों यहाँ से आप लोग का आंसर आ रहा है दूध और पानी, बिल्कुल सही होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा यहाँ से आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये आप सभी के सामने, जिस प्रकार सदगुण जो है दया से संबंधित है उसी प्रकार अवगुण का रिलेशन किससे होगा, जैसे सदगुण दया दे रखा है तो वैसे ही दोस्तों आपका जो अवगुण होगा ये आपका आ जाएगा ऐसे बी वाला क्रूरता, ठीक है, दया का उल्टा क्या हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा, तो एग्जैक्ट आंसर होगा आपका बी वाला। चलिए फिर आप देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध से निकटतम समानता रखता है। देखिए ये एनालॉजी टाइप का क्वेश्चन है, गजल, तो गजल से क्या बनी आपकी कविता बनती है, ठीक है ना, और आपका यहाँ से क्या बनेगा जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, झूठ से आ जाएगा कपट, ठीक है ना, जैसे गजल का आपका कविता रिलेशन है वैसे झूठ का आपका कपट हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ से आपका राइट आंसर आएगा झूठ कपट, तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 में आपको क्या दिया गया, जिस प्रकार आप लोग का बी ई एच की आप लोग का होता है डी जी जे एम, तो ऐसे इसका रिलेशन आपको बताना है एन क्यू टी डब्ल्यू का, तो चलिए दोस्तों आप लोग बताएंगे यहाँ पर एन क्यू टी डब्ल्यू का आगे स्टेप कौन सा आएगा, अगला स्टेप ये आपको बताना है। तो देखिए बी बी दो स्टेप आगे बढ़े, आपका आ गया सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो दोस्तों देख सकते हैं हर जगह दो दो स्टेप की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, प्लस का 2 स्टेप आगे बढ़ रहा है, तो वैसे आपका एन ओ पी Q R S T U V W X Y, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा P S B Y,
तो अगर 97 का यहाँ से आपका सी आ रहा तो बिल्कुल सही होगा, राइट आंसर होगा यहाँ से आपका सी। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कुल्हाड़ी, लकड़हारे के पास कुल्हाड़ी होती है तो सुई किसके पास होती है, कसाई, बढ़ई, दर्जी या फिर पेंटर। तो आप लोग जानते होंगे 98 का सही जवाब क्या होगा, आपका सी होगा, दर्जी। तो सही जवाब आएगा हमारा दर्जी। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध के विपरीत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के बीच संबंध से विपरीत, जैसे घृणा, घृणा का उल्टा होता है प्रेम, तो ऐसे ही आपका कौन सा आंसर होगा, सकुशल। सकुशल का यहाँ पर रखा सुरक्षित, तो ये बिल्कुल विपरीत दे रखा है, सदाचार का दुराचार, पसंद नापसंद, मित्र शत्रु। तो ये तो सारे आप देखिए, एक आपका शब्द है, दूसरा उसका विलोम शब्द है, शब्द विलोम शब्द, शब्द विलोम शब्द, लेकिन ये डी वाला जो है सबसे अलग दे रखा है। तो सकुशल जो है आपका सुरक्षित, ये एक दूसरे के पर्याय है, विपरीतार्थक नहीं है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची है, तो डी आंसर सही आएगा। अब देखते हैं 100 क्वेश्चन, उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद जो है पहले से है। तो सभी लोग बताएंगे यहाँ से राइट आंसर आप लोगों का क्या आएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ से 100 का आएगा आप लोग का, बी वाला, विद्यार्थी, ठीक है ना, चिकित्सक रोगी, तो शिक्षक विद्यार्थी, ठीक है ना। तो दोस्तों रोगी को देखभाल के लिए वहां पर चिकित्सक होते हैं, वैसे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वहां पर शिक्षक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शिक्षक। जैसे कि आपका जो चिकित्सक होता है ये रोगी को ठीक करता है, वैसे शिक्षक जो होता है विद्यार्थी को पढ़ाता है। तो अगर दोस्तों यहाँ से आप लोग का आंसर बी आ रहा, बिल्कुल सही होगा, राइट आंसर यहाँ से क्या होगा आपका, बी होगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, तो हमारा आंसर बी है। अब आप सभी को यहाँ पर यह बताना है, एक श्रृंखला दी गई है, इसमें प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा आपको यहाँ पर यह बताना है। A1y25C3G7W23O आगे क्या आएगा आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका क्या स्टेप चल रहा है, ये आप सभी को बहुत ही समझने की जरूरत है। अब देखिए A जो आपका 1 नंबर पे आता है, बाई आप लोग का 25 पर है, सी 3 नंबर पे है, जी आप लोग का 7 नंबर पे है, डब्ल्यू आप लोग का जो है 23 प्लेस पर आता है, तो ओ किस स्थान पर आएगा आपको ये बताना है। तो ओ की वैल्यू थी 15। अगर आप लोग देखेंगे, अगर आपको नहीं पता तो ई जे ओ टी वाई ये ट्रेक है, याद करने की 5, 10, 15, 20, 25। तो ओ किस नंबर पे आता है आप लोग का, 15 नंबर पे आता है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा सी वाला, ठीक है। जैसे ए आपका 1 नंबर पे है, वाई आपका 25 पे, वैसे आपका ओ जो है 15वें प्लेस पर है, तो यहाँ से आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी है जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है। ऐसे कितने टी है जिनके तुरंत पहले और बाद में आप लोग का ई है, तो राइट आंसर आप लोग का क्या होगा। देखिए एक तो आपका यहाँ पर रखा ई टी ई, उसके बाद देख सकते हैं आप लोग का आगे कहाँ रखा है ई टी ई। देखिए दोस्तों आप लोग को और भी यहाँ पर दे रखे हैं बीच में, ये टी है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये रहा ई टी ई, एक आपका ये हो जाएगा, दूसरा ई टी ई, तीसरा आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आपका ये ई टी ई बन गया, फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा बन रहा है आपका, ये देखिए आप लोग यहाँ देख रहे हैं आपका ई टी और आगे आपका ई दे रखा, ये बन गया, ठीक है। फिर एक आपका ये बन जाएगा ई टी ई और एक आप लोग का यहाँ पर ये बन रहा, तो कितने हो गए दोस्तों यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों एक और कहीं पर आपका बन रहा है ई टी ई, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट स्टेप में भी आप लोग का एक बन रहा है ई टी ई और यहाँ पर भी देख सकते हैं आपका, देखिए एक ही आपका ये बना ई टी, तो कितने होगा दोस्तों आपके 8 होगा, तो एग्जैक्ट आंसर हमारा आ जाएगा डी वाला। तो टोटल ऐसे कितने हमारे टी हैं जिनके तुरंत और पहले, तुरंत पहले और बाद में हमारा ई आता है, तो टोटल 8 है, ओके। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, चलिए बताइए यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 103, 8H 24X 7G 15O 17, तो आगे क्या आएगा आपको यहाँ पर यह बताना है। फिलहाल सही जवाब होगा आपका क्यों, ओके। तो क्यों आ गया आपका, क्यों आ गया राइट आंसर, तो यहां से आप लोग का आंसर आ जाएगा सी वाला। आप देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन, चलिए फिलहाल सभी लोग बताएंगे। 104 में आपको श्रृंखला दे रखी है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका क्या आएगा, आप सभी को यहाँ पर यह बताना है। ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, B2I9R18T20H, तो दोस्तों आपका B जो है दूसरे नंबर पे आता है, फिर से वही चीज, I 9 नंबर पे, R 18, T 20, तो H किस नंबर पे आता है आपका, A B C D
ई एफ जी एच एस किस पे आ रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ नंबर पे आ रहा है आपका। तो इसलिए दोस्तों यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए बी बी सी 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 डी 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 इसका 29वां अक्षर क्या होगा। दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसका 29वां अक्षर आपको निकालना है। तो यहां तक आपके कितने अक्षर होगा देखिए एक। आइए दोस्तों लगाते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के नॉर्मल लेवल के होगा। तो सारे इजी वाले क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब देखिए आपका यहाँ पर होगा ये एक, ये होगा दोस्तों यहाँ पर कितना दो है, ये आपका तीन बार आ रहा है, फिर ऐसे चार बार आपका डी आ रहा है, ठीक है। तो कितने अक्षर हो गए आप लोग यहाँ तक, ये 10 अक्षर हो गए। तो ऐसे आप लोग कितने अक्षर बताने, 29 अक्षर निकालना है। तो 11 से 15 तक हमारा आ जाएगा दोस्तों ई आ जाएगा, ठीक है। 16 से 21 तक हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा यहाँ पर एफ आ जाएगा। और 22 से लेकर 28 तक हमारा क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। और आपको 29वां निकालना है, यानी कि आपका 29वां कौन सा होगा देखिए, 29वां से लेकर आपके 36 तक आपका एच आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा हमारे यहाँ से एच। तो अगर यहाँ से आपका आंसर सी आ रहा, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर होगा आपका एच। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप लोग बताएंगे, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत बाद आई ई है। ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत बाद आपका आई ई है। तो ये तो आप लोग लगा ही लेंगे, तो मैं सीधे आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जिनके तुरंत बाद आप लोग आई है, ऐसे कितने टी हैं। तो देख सकते हैं टी के बाद आप लोग का आई ई ए रखा है, ठीक है। टी के बाद आप लोग का आई ई ए रखा है, टाई दे रखा है, ये भी आपका टाई दे रखा है, और यहां पर भी आपका टाई दे रखा है, ठीक है ना, टी आई ई आपको दे रखा है। तो कितने होगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा डी वाला, 5 है। तो 1 2 3 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ते हैं और फिर बाएं जाता है। अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है बताइए सब लोग। अब देखिए रमेश पहले उत्तर की ओर जाता है फिर दाएं मुड़ता है। सबसे पहले रमेश उत्तर की ओर गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ता है, और फिर वह आप लोग का बाएं जाता है। तो अब वो किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, ये डायरेक्शन कौन सी है। अगर ये दोस्तों आपकी उत्तर होती है, नीचे दक्षिण होती है, इधर पूरब होती तो दोस्तों पूरब इधर होती है, पश्चिम आपकी इधर होती है, तो ये किस दिशा में जा रहा है। तो ये जो है आप लोग का फिलहाल ये पूरब दिशा में जा रहा है। तो राइट आंसर होगा यहाँ से आपका ए वाला, पूरब। ओके, एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा, पूरब आएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, और फिर जो है बाएं जाती है। तो अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है, ये आप सभी को बताना है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं, सुनीता जो है ये दक्षिण की ओर जाती है, फिर बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है। तो सबसे पहले सुनीता जो है दक्षिण की ओर गई, फिर दक्षिण से दोस्तों क्या मुड़ी, बाएं मुड़ती है, चलिए बाएं मुड़ती है, फिर आपका दाएं मुड़ती है, इधर गई, दाएं मुड़ने के बाद फिर बाएं मुड़ती है, फिर इधर आती है। तो आप सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है, तो ये दिशा आप लोगों की दोस्तों किधर है, दिशा ये आपकी अभी भी पूरब दिशा है। तो यहां से राइट आंसर हमारा आ जाएगा ए वाला, पूरब दिशा। तो हमारे जिस भी दोस्त का आंसर ए आ रहा बिल्कुल सही है, बाकी लोग ध्यान से करेंगे, सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप प्रश्न संख्या 109 और 110 में आपको क्या दिया गया, दिए गए प्रश्नों को पढ़े और निर्णय करें कि अनुसरण करने वाले कौन से तर्क जो है प्रभावशाली हैं। जैसे दोस्तों आपको दिया गया भारत जो है भारत के किसी श्रमद परिवार से न आने वाले किसी बच्चे को क्या आपने जुनून का अनुसरण करने देना चाहिए। दोस्तों भारत के किसी श्रमद परिवार से न आने वाले किसी बच्चे को क्या जुनून का अनुसरण करना देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं। तो सभी लोग बताएंगे राइट आंसर 9th का क्या होगा हमारे यहाँ से। पहला आपको दे रखा है हाँ, इन दिनों यदि किसी बच्चे को अपनी अभिरुचि का अनुसरण करने को दिया जाए तो वह इसमें श्रेष्ठ हो सकता है, यहां तक कि आर्थिक तौर पर भी। नहीं, आज भी हमारे देश में मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं है और किसी को अपरंपरागत क्षेत्रों में स्थापित करना समय की बर्बादी है और यह आर्थिक रूप से भार डालने वाला हो सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल गलत दे रखा है, पहला वाला यहाँ से आएगा, तर्क आपका पहला वाला बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आएगा यहाँ से आपका ए वाला। तो जिस किसी का भी आंसर ए आ रहा है, केवल तर्क ए प्रभावशाली है, तो बिल्कुल सही बता रहा है दोस्तों आपको मैं बता दूं। हाँ, इन दोनों जो है किसी बच्चे को अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर उसे अनुसरण करने दिया जाए तो वह उसमें श्रेष्ठ हो सकता है। अगर किसी बच्चे का किसी चीज में इंटरेस्ट है, मन लगता है, तो अगर उसे उसी काम में लगा दोगे तो वो आर्थिक तौर पर भी मजबूत हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो बिल्कुल यहाँ से आपका आंसर ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में करते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको दिया गया, आपको तर्क संगत वाले क्वेश्चन है, क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में यहाँ पर आपको दिया गया उतना खर्च करना चाहिए जितना कि वे अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में खर्च करते हैं।
तो देखिए आपको नीचे विकल्प दे रखे हैं। सबसे पहला आपको पॉइंट दे रखा है नहीं। लगभग सभी आंकड़े जो इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों को कहीं से अधिक बुद्धिमान होते हैं। कि दोस्तों आपको क्या देखा, लड़के जो है लड़कियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? नहीं। हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। दोस्तों अब आप लोग बताएं केवल तर्क कौन सा सही निकलता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ना तो पहले वाले की बात हो रही है, ना तो दूसरा तर्क प्रभावशाली है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ से तो आपका सही वाला आ जाएगा। ना तो दोस्तों इसमें शादी की बात हो रही है और ना ही दोस्तों यहाँ पर बुद्धिमानी की बात हो रही है। ठीक है, लड़का लड़की एक समान है। यहाँ पर इसी बात को बताया गया कि जैसे अगर जो माता पिता है वो अपने लड़कों पर खर्च करते हैं उनको पढ़ाई लिखाने में, उतना ही खर्च उन्हें अपनी बेटियों पर भी करना चाहिए। तो ये तो यहाँ पर समानता की बात हो रही है, ना तो यहाँ पर शादी की बात हुई है, विवाह की बात हुई है, और ना ही कौन किससे बुद्धिमान है ये बात हो रही है। इसलिए आप लोग के दोनों ही तर्कसंगत जो है बेकार हैं। ठीक है ना, तर्कसंगत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। पहला आपको क्वेश्चन दिया गया, क्या किसी क्रिकेट टीम के मैच के दौरान, दोस्तों आपको क्या दिया गया, क्या किसी क्रिकेट टीम के मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए? नहीं। किसी एक को मौके पर निर्णय लेने होते हैं, यहाँ वहां इतना समय नहीं होता कि मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचार होने पर उन्हें सुलझाया जाए। यदि ऐसा परिदृश्य उपस्थित हो जाए तो फिर क्या करेंगे? हाँ, निर्णय लेने से पहले किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए एक से अधिक मस्तिष्कों का होना हमेशा ही बेहतर होता है। दोस्तों आपको बता दें, दूसरी वाली बात तो बिल्कुल गलत दे रखी है, एक से अधिक मस्तिष्कों की बात ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। क्या क्या आप लोग का मैच की टीम में आप लोगों ने देखा कि एक टीम में जो है एक से अधिक कप्तान है? नहीं दोस्तों, कप्तान एक ही होना चाहिए ताकि जैसे मौका आए तो निर्णय लेना पड़े उसे, तो इतना समय नहीं होता कि मैदान पर कप्तानों के बीच आपस में वो लड़ते रहे कि नहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो इसलिए दोस्तों उन्हें जो है सुलझाया जाए। तो यदि ऐसा परिदृश्य उपस्थित होता है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। तो केवल तर्क फर्स्ट आप लोग का तर्क संगत है, तो यहाँ से आपका जाएगा केवल तर्क एक जो है प्रभावशाली है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है? अब दोस्तों कौन संख्या वर्ग संख्या नहीं है? 1225 रूट करेंगे ये आपका 35 होता है, 2025 इसका रूट करेंगे आपका कितना हो जाएगा 45 होता है, और 4225 ये होता है आप लोग का फिलहाल 6 और 5 65 का होता है, ये नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ से राइट आंसर आपका आ जाएगा सी वाला। तो अगर यहाँ से आप लोग का राइट आंसर सी आ रहा, बिल्कुल सही होगा, ये आपकी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। दोस्तों सब बोर्ड मास नियम का प्रयोग करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में आप लोग को डिवीजन रखा है तो ब्रैकेट में सबसे अंदर डिवीजन करेंगे। तो 8 को 2 से डिवाइड करना है आप लोग को, 4 × 2 = 8, ठीक है ना, 2 × 4 = 8 आपका यहाँ से सॉल्व करने वाले 4 आ जाएगा। 16 में से 4 को माइनस करना है तो कितना बचेगा आप लोग का यहाँ से? जी बिल्कुल 12 बचेगा। अब 12 को डिवाइड करना है 3 से, इधर मल्टीप्लाई भी रखे, 60 को डिवाइड करना है 5 से। तो पहले करेंगे डिवाइड, इधर इसको डिवाइड करेंगे 3 × 4 = 12, इधर इसको डिवाइड करेंगे 12 × 5 = 60, और बीच में इसको सॉल्व किया हमारा 12 आ गया, इसको सॉल्व किया हमारा कितना आ गया 4 आ गया, इनके मल्टीप्लाई करनी है 12 × 4 = 48। तो दोस्तों यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो अगर दोस्तों यहाँ से आप लोग आंसर 48 आ रहा है तो बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा ए वाला। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपको डाउट लगे तो पूछ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला सेक्शन जो 114 से वो आप लोग का है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक क्षमता। मतलब इसके बाद के आप कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जैसे आप लोग एग्जाम में किसी भी एग्जाम में देख सकते हैं, तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी के बाद। अभी हम लोग हिंदी सॉल्व कर लेते हैं, हिंदी में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उन सभी को आपको बता देते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद रीजनिंग पढ़ेंगे। तो चलिए फिलहाल अब देखते हैं हमारा हिंदी सेक्शन, जिसमें आप लोग 37 क्वेश्चन पूछे गए थे, 37 के 37 क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन का लेवल कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, उसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करनी चाहिए। अनिल और अनल, इसका सही अर्थ देने वाले का शब्द युग्म कौन सा है? अब चलिए मैं आपको बताता हूँ 39 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए अनिल का मतलब होता है वायु और अनल पावक दहन, ये अग्नि के पर्यायवाची हैं, तो जिसका भी आंसर यहाँ पर ए आया होगा बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराजय में उपसर्ग क्या है? पराजय में उपसर्ग क्या है? 40 का एग्जैक्ट आंसर होगा हमारे यहाँ से सी वाला, परा। दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग है हमारा परा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे, आपके सामने लिखावट में प्रत्यय कौन सा लगा, आवट या फिर बट? तो लिख के आगे अगर हम लोग आवट लगा देते हैं तो लिखावट बन जाता है, इसलिए आपका आवट आएगा। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है।
महोत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा और कौन सी संधि है ये भी आपको बताना है। देखिए महा प्लस उत्सव, ठीक है ना, जब आप लोग का छोट आपका बड़ा आ और ऊ मिलकर ओ बनाते हैं तो वहाँ पर आपकी गुड़ संधि होती है। दोस्तों गुड़ संधि में आपका छोटा आ और बड़ा, ठीक है ना, आ और आ के बाद ई ई ऊ ऊ या फिर री स्वर आने पर क्रमशः ए का ओ और आपका अर हो जाता है तो वहाँ पर आप लोग का गुड़ संधि होती है। तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ से महा प्लस उत्सव, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 42 के बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी के सामने 43। मैंने घर जाना था, दोस्तों अब आप सभी को यहाँ पर ये दिया गया है मैंने घर जाना था, वाक्य में गलती क्या है, गलती देखते समझ आ गई होगी, मैंने नहीं आएगा, मैंने गलत दे रखा है, मैंने की जगह पर दोस्तों आप लोगों का क्या आएगा यहाँ पर, मुझे आएगा, मुझे घर जाना है, ठीक है, तो मैंने नहीं आएगा तो ये आना चाहिए था लेकिन आ गया आप लोग का मैंने, तो मैंने आप लोगों का गलत दिया गया है। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, आप सभी को अब यहाँ पर ये बताना है देशभक्ति में समास कौन सा है, देश की भक्ति, देश के लिए भक्ति, यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, एग्जैक्ट आंसर है सी वाला तत्पुरुष समास। पुस्तक पढ़ी जाती है इसमें कौन सा वाच्य होगा, दोस्तों चलिए सभी लोग बताएंगे, पुस्तक पढ़ी जाती है इसमें आपका कौन सा वाच्य होगा, देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है यहाँ पर आपका कर्म वाच्य होगा, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्म कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। जी हाँ दोस्तों, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्म वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है, जैसे कि पुस्तक पढ़ी जाती है, अब इस वाक्य में क्या है, कर्म जो है पुस्तक है इसकी प्रधानता है, ठीक है ना, वाक्य का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार परिवर्तित हुआ है, तो यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का सी वाला, ये जो है 45 का राइट आंसर होगा हमारा कर्म वाच्य। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अव्यय क्या है, दोस्तों आप सभी को यहाँ पर ये बताना है निम्नलिखित में से अव्यय क्या है, प्राचीन, मोटा, गरीब या फिर और, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं और जो है यहाँ पर ये समुच्चय बोधक अव्यय है, और आपका जो है आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, और हमारा जो है समुच्चय बोधक, ठीक है ना, समुच्चय बोधक अव्यय है, तो एग्जैक्ट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का हमारा डी वाला, ठीक है ना, तो ये हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है, दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं और दो प्रकार के सामान्यधिकरण व्यक्तिकरण के होते हैं, जैसे कि प्राचीन, मोटा, गरीब, ठीक है, ये विशेषण है, जबकि और जो है ये दो वाक्यों को जोड़ता है, दो शब्दों को भी जोड़ता है, इसलिए इसको समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, चलिए फिलहाल सभी लोग बताएंगे, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, पूर्ण विराम का चिन्ह देखते समझ गए होंगे आप लोग, राइट आंसर आपका सी वाला, ये चिन्ह आप लोग का पूर्ण विराम का है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, दूध का धुला होना, दोस्तों आप सभी को बता दें दूध का धुला होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो चलिए दोस्तों दूध का धुला होने का मतलब होता है आप लोग का निर्दोष होना, दूध का धुला होना का मतलब होता है निर्दोष होना, एग्जैक्ट आंसर होगा यहाँ से आपका ए। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का अर्थ है शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, तो दोस्तों यहाँ से राइट आंसर होगा बी वाला, कि शक्ति संपन्न व्यक्ति जो है अपना काम बना लेता होगा, ये इसका अर्थ होगा। आप देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, चलिए फिलहाल सभी लोग बताएंगे यहाँ से, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, आप देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना कि दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोहे के प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा सी वाला। देखिए दोहा एक अर्ध सममात्रिक चार चरणों वाला छंद है, सबसे पहली बात तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि दोहा क्या है, दोहा एक आपका अर्ध सममात्रिक चार चरणों वाला छंद है, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो एग्जैक्ट आंसर होगा यहाँ से आपका सी वाला, कि प्रथम चरण में और तीसरे चरण, पहले और तीसरे में आप लोग की 13-13 मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में इसमें जो है आप लोग की 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द अलंकार है, देखिए अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार मैंने पढ़ाए हैं आपको और आप लोग बताएंगे 52 का एग्जैक्ट आंसर, तो इन विकल्पों में से जो आपको यमक अलंकार दे रखा है, यमक आपका शब्द अलंकार है,
यमक अलंकार में एक से अधिक शब्द जो है अधिक बार प्रयुक्त होता है, किंतु उनके जो अर्थ होते हैं प्रत्येक बार अलग अलग होते हैं। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब घटा शब्द यहाँ पर दो बार आया, लेकिन दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग है। पहले घटा का मतलब बादल है और दूसरे वाले का मतलब है कम। एक घटा का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर बादल, और दूसरी बार घटे का मतलब है कम होना। तो यहाँ से फिलहाल आपका आंसर आएगा यमक एक शब्द अलंकार है। निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है आपको यहाँ पर ये बताना है। देखिए शा ध्वनि जो है आप लोग की तालव्य ध्वनि है, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा यहाँ से आप लोग का सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये आपके सामने। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है। अघोष वर्ण जो है आपको दिया गया, का वर्ण जो है आपका अघोष है। तो इन विकल्पों में से का आपका अघोष वर्ण है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे अघोष कहलाते हैं, और प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा ये हमारा अघोष श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग दिया गया है दोस्तों? रचना। रचना दोस्तों आपका स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि मस्तक, उपहार, ग्रंथ यह आपका पुल्लिंग है, लेकिन रचना आप लोग का स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? अब आपको यहाँ पर यह बताना है पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा दिया गया है। एग्जैक्ट आंसर होगा आपका राष्ट्र। राष्ट्र शब्द हमारा एक पुल्लिंग शब्द है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। किस शब्द का प्रयोग जो है सदा बहुवचन में होता है? ऐसा कौन सा शब्द है जैसे लड़का, लड़के का लड़की हो सकता है एक वचन में, लड़के हो गए बहुवचन, घोड़ा घोड़े, प्राण बधु बधुए। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राण। प्राण सदैव हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों जो शब्द प्राण दे रखा है इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही किया जाता है, ठीक है ना। उसके प्राण हर लिए गए, गए ना कि गया, प्राण हर लिया गया नहीं, गए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। दोस्तों किसने जो यहाँ पर दोस्तों ने जो है किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को। एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका कर्ता। कर्ता का चिन्ह होता है आप लोग का ने, तो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का ने वाला। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अगर कहीं पर भी कोई डाउट लगे तो आप लोग बता दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। दोस्तों अब आपको यहाँ पर देखिए क्या बताना है। निम्न में से सर्वनाम कौन सा है? अब आप सभी को बताना है निम्न में से सर्वनाम कौन सा है। तो 59 का एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या आएगा? सही जवाब आएगा 59 का दोस्तों सी वाला, पहाड़। पहाड़ आप लोग का क्या दिया गया यहाँ पर? निम्नलिखित में सर्वनाम बताना है, तो फिलहाल यहाँ से पहाड़ आंसर आएगा। पहाड़ एक सर्वनाम है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ से आप लोगों को सर्वनाम बताना था पहाड़, नदी, घर, ये तो आप लोग के अलग है, आपका सर्वनाम है। तो 59 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ये होगा आपका बी वाला, आप। और कमेंट करके दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप जो है ये कौन सर्वनाम है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़े होंगे दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। तो ये कौन सर्वनाम है आप लोगों को कमेंट के थ्रू बताना है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है? लंबाई। देखिए विशेषण होता है जो गुण को बताता है, लंबाई, बुढ़ापा, समझ या फिर शांत। तो 60 का करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ से आपका। देखिए शांत शब्द एक गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणधर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। लंबाई, बुढ़ापा, समझ ये तो भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। लंबाई, बुढ़ापा, समझ ये तो हमारे सारे जो दिए गए हैं ये भाववाचक संज्ञा है, ये संज्ञा के उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। जबकि शांत हमारा जो है ये आपका विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी इसमें दी गई है आप लोग को? 61 का राइट आंसर होगा सी वाला। जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके अन्य किसी को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा होता है, तो वहां पर आपका प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि सुनना दोस्तों क्या है आप लोग का? यह प्रेरणार्थक क्रिया है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी। दोस्तों लड़के ने पुस्तक पढ़ी। अब आप सभी को यहां पर कमेंट करके यह बताना है कि इस वाक्य में कौन सा काल होगा, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या फिर संभाव्य वर्तमान। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है ना, तो वाक्य में आप लोग का पूर्ण वर्तमान काल होगा, और पूर्ण वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोग का पूर्ण वर्तमान।
इसके बाद देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, सभी लोग बताएंगे निम्नलिखित में से आप लोग का तद्भव शब्द कौन सा है आप लोग का, अचरज, अंधकार, अंगरक्षक या फिर आशा। तो चलिए फिलहाल सभी लोग बताएंगे यहाँ से एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। तो 63 का करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों हमारा ए वाला, अचरज। अचरज शब्द जो है हमारा तद्भव शब्द है, तो ए वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत का विलोम क्या होगा। देखिए शीत की बात करें, शीत का विलोम शब्द हमारा क्या होगा आपको यहाँ पर यह बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा आपका उष्ण। शीत का विलोम होगा आप लोग का यहाँ से उष्ण, जबकि ठंड, गीत, कृष्ण के विलोम शब्द होते हैं गर्मी, गर्म, अगीत और शुक्ल। फिलहाल यहाँ से आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 64 का एग्जैक्ट आंसर होगा आपका डी वाला, उष्ण। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, कर का अर्थ नहीं होता, इनमें से कर का अर्थ कौन सा नहीं होता। कर का अर्थ जो है आप लोग का सूर्य नहीं है, बाकी टैक्स, हाथ, किरण, लेकिन आपका यहाँ से सूर्य नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ से 65 का जो राइट आंसर आएगा ये आएगा सूर्य नहीं है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए क्या बोलेंगे एक शब्द, उस जो कठिनाई से मिलता है इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा दुर्लभ। ये बहुत ही दुर्लभ है, मानो बड़ा ही दुर्लभ है क्योंकि बड़ी कठिनाई से मिलता है। तो IAS की नौकरी लेना, ठीक है ना, सबके बस की बात नहीं है। तो इसलिए दोस्तों वो जो जॉब है आपकी दुर्लभ है, बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही मेहनत के बाद मिलती है। एग्जैक्ट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का दुर्लभ। अब एक पैराग्राफ आपको दे रखा है, तो इसको पढ़ने में टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैं PDF फाइल आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, सीधे पैराग्राफ वाले सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं और आते हैं सीधे मेन क्वेश्चन पर। चलिए बताएंगे सभी लोग, बीजक जो है किसकी रचनाओं का संग्रह है। दोस्तों अब आप सभी को यहाँ पर ये बताना, बीजक जो है ये किसकी रचनाओं का संग्रह है। तो सभी लोग बताएंगे एग्जैक्ट आंसर यहाँ से आपका क्या होगा। देखिए सही जवाब होगा आपका 72 का ए वाला, कबीरदास जी की। तो दोस्तों आपको बता दें बीजक जो है कबीर की रचनाओं का है, जिनका संकलन उसके शिष्य धर्मदास ने किया था। दोस्तों बीजक का जो संकलन है, कई बार आपके एग्जाम में पुलिस SI की बात करें आप लोग का, UPSI, तो वहाँ पर हिंदी में यह क्वेश्चन आया था कि जो बीजक है, बीजक इसका संकलन उनके किस शिष्य ने किया था। उनका एक शिष्य था धर्मदास, जिसका नाम था धर्मदास। तो दोस्तों बीजक का जो है संग्रह, संकलन जो किया था, ये किया था धर्मदास ने। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो जैसा कि दोस्तों अब आपको बताना है, कामयानी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। तो एग्जैक्ट आंसर होगा कामयानी के रचनाकार हैं आप लोग के जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों अगर यहाँ से आपका आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, गोदान किसका उपन्यास है। गबन गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो जाता है। सही जवाब होगा आपका वी वाला। तो ये था फिलहाल आपका हिंदी में, तो देखा होगा, देखिए हिंदी का पेपर कितना इजी आया था, बहुत हार्ड नहीं था, सारे क्वेश्चन नॉर्मल ही थे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर रीजनिंग सेक्शन भाग चार। तो रीजनिंग के भी आपके 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या उनका लेवल रहता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए फिलहाल आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग में क्वेश्चन पहला ही देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से चित्र 3 जो है किससे जो है ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि 2 आपका पहले से है। दोस्तों आप लोग का बताइए यहाँ से करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ, आप सभी को यहाँ पर यह बताना है। देखिए पहले आपका यहाँ पर एक ब्लॉक में आपका कलर पार्ट था, एक में था, अगली बार में आप लोग का 1 से 2 में हो गया, यहाँ पर हो गया, और ये 4 पार्ट थे इसके फिगर में। अब की बार आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया ऐसे। दोस्तों यहाँ पर कितने पार्ट है आपके, 1, 2, 3 है, तो अगली बार में आप लोग 6 पार्ट हो जाएंगे। अब देखिए 6 पार्ट इसमें तो है नहीं, अब इसे ये 6 पार्ट में है, ये है और ये है। अब देखिए 1 से आपका 1 बड़ा है, 2 हो गया। अब की बार दोस्तों आपका ये पार्ट कलर्ड है और ये पार्ट कलर्ड है, यानी कि 2 पार्ट कलर्ड है। अगली बार 2 से क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। जैसे 1 से आपका 2 हुआ, 2 से आपका 3 हो जाएगा। तो आपका देखिए राइट आंसर जो होगा ये आपका ए वाला होगा। तो जो कंडीशन आपकी फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई हो रही है, वही कंडीशन और रूल आप लोग के यहाँ पर ऑप्शन वाले ए में जो है अप्लाई होंगे। तो अगर यहाँ से आपका आंसर ए आता, बिल्कुल सही होगा। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, आप सभी के सामने ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए दिए गए विकल्पों में से सबसे अलग विकल्प या फिर चित्र को पहचानिए। अब देखिए सारे डॉट को देखिए, सबसे अलग कौन सा है, यह लिखा आपका 5, 6, 2 और 1, 6, 5, 11, 12, 13, 14, इसमें 14 है आप लोग के डॉट,
छः चार तीन और एक, छः चार दस, तीन और चार चौदह, इसमें भी हैं, ठीक है चौदह मिल गए हमें, पाँच चार तीन और एक चार, चार चार आठ पाँच, तेरह मिले यहाँ पर सिर्फ हमें, चार पाँच तीन दो, पाँच चार नौ, तीन दो पाँच, नौ पाँच चौदह हो गया। तो देखिए हमारा तीन जगह, तो हमारा देखिए जो हमारे बिंदियाँ हैं डॉट हैं, इन डॉट को जोड़ने में हमारा चौदह आ गया। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन सी है, जब हमने इसके सारे बिंदुओं को जोड़ा तो हमारा तेरह आ गया। सबसे अलग विकल्प कौन सा होगा दोस्तों आपका? ये होगा आप लोगों का यहाँ से सी वाला। तो एग्जैक्ट आंसर दोस्तों आपका क्या आएगा? ये आएगा आपका सी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए इसके बाद देखते हैं आप लोग का 16 क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों आपका 16 क्वेश्चन। कोई भी खिड़की मछली नहीं है और सभी मछली इंसान है। अब ये आप लोग का टर्म जो आपका ई है और ये आप लोग का ए दे रखा है। ए को हम लोग आई में बदल सकते हैं। ये सभी मछली अगर इंसान है तो कुछ मछली इंसान होंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ मछली इंसान होंगी। और आई को आई में बदला जा सकता है, जब कुछ मछली इंसान होंगी तो कुछ इंसान भी मछली होंगे। तो यहाँ से हमारा देखिए थर्ड वाला ऑप्शन सही निकलता है, बाकी सभी वाले गलत हो जाएगा। और ये दोनों तो गलत आपको दिए गए हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ से आपका एग्जैक्ट आंसर सी आ रहा बिल्कुल सही है, केवल निष्कर्ष सी आप लोग का सही निकलता है। इसके बाद देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। चलिए 17 क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे। राइट आंसर 17 का क्या होगा आपका? ए बी सी या फिर डी। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, कुछ चौक खड़िया डस्टर है, ठीक है, कुछ जो चौक है वो डस्टर है और सभी डस्टर बोर्ड है। तो यहाँ से आपको बताएं कौन सा निष्कर्ष आपको सही दिया गया है, ए वाला, बी वाला, सी वाला या फिर डी वाला। अब देखिए ये आपका आई है और ये टर्म आपका ए है। आई और ए को मिलाकर आपका बनता है आई। देखिए डस्टर से डस्टर कट जाएगा तो आपका आ जाएगा कुछ चौक बोर्ड है, कुछ चौक बोर्ड है। पहला वाला ही हमारा सही होगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा सिर्फ निष्कर्ष फर्स्ट जो है मेल खाता है। तो पहला वाला सहमत है, बाकी सारे गलत दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा आपके सामने, कुछ डेस्क टोपियां हैं, कोई भी टोपी काली नहीं है। अब आपको दिया गया आई और दिया गया दोस्तों यहां पर कोई भी टोपी काली नहीं है और दिया गया ई। तो आई और ई आपको दे रखा है, तो यहां से आपको कौन सा बन जाएगा दोस्तों? 18 का आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कुछ टोपियां डेस्क हैं, तो कुछ टोपियां डेस्क हैं, देखिए कुछ डेस्क टोपियां हैं तो कह सकते हैं कुछ टोपियां भी डेस्क होंगी। तो पहला वाला हमारा बन सकता है और दूसरा देखेंगे क्या दूसरा बन सकता है। कोई भी डेस्क काली नहीं है, कोई भी डेस्क काली नहीं है तो ये नहीं बन सकता। यहां से 18 का आंसर क्या आएगा दोस्तों? आपका ए वाला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आई को आई में बदला जा सकता है, आई को आई में बदल सकते हैं जबकि आई को ओ में नहीं बदला जा सकता। तो दोस्तों यहां से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुछ टोपियां डेस्क है। अगर आप लोग देख रहे हैं कुछ डेस्क टोपियां हैं तो कुछ टोपियां डेस्क भी होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, कौन सा नंबर यहां पर मिस है? 2, 10, 30, 68। अगला वाला क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए लॉजिक क्या लग रहा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग बताइए दोस्तों, दो है, कैसे दो आ गया? देखिए अगर दो है, दस है, तीस है, अड़सठ है, तो ये क्या सीरीज चल रही है, क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है? एक का क्यूब करेंगे आपका एक आ जाएगा, एक जोड़ देंगे आपका कितना आ जाएगा? दो आ जाएगा। दो का क्यूब करेंगे आपका दो दुनी चार दुनी आठ, दो जोड़ देंगे आपका हो जाएगा दस। तीन का क्यूब करेंगे हमारा आ जाएगा तीन दिया नौ सत्ताईस, में तीन जोड़ेंगे आ जाएगा तीस। चार का क्यूब 64, में चार जोड़ा 68, तो पांच का क्यूब होगा 125, में पांच जोड़ देंगे हमारा आ जाएगा 125, 125 से पांच 130 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या आएगा? 130 आएगा। तो दोस्तों अगर यहां से आपका आंसर सी आ रहा है 19 का, तो बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर भी आपको मिसिंग नंबर निकालना है। 4, 17, 34, 53, 76 के बाद क्या आएगा आपको बताना है। देखिए सबसे पहली बात तो है यहां पर सारी संख्या कैसे रखें, चार। चलिए फिर जोड़ जोड़ के निकालते हैं। आपको देखिए यहां पर क्या दिया गया है, 4, 17, 34, 53, 76। हमने देखा दोस्तों इसके इसके बीच अंतर 13 और 4, 17 हो गया, 13 जोड़ा 17 आ गया। 17 में कितना जोड़ेंगे 34 आ जाए, 17, 17, 34, 17 आ गया। 34 में कितना जोड़ें 53 आ जाए,
19 आ जाएगा, 53 में कितना जोड़ेंगे 76 आ जाए, और 6 में 3 क्या 3, 5 में 7, 7 में 2 23 आ गया, ठीक है ना। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका 17, 13, 17, 19, 23, तो आप लोगों ने कुछ चीज कॉमन देखी, ये सारी संख्या आपकी अभाज्य आ रही है, मतलब 13 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 17 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य है, 23 भी है। 23 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन सी है, 29 आएगी। तो 76 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होगी होगी 29। अगर 76 में 29 को जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा दोस्तों यहां से 105। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला 105। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन कौन सा दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 21। उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद जो है पहले पद से संबंधित है, जैसे कि थर्मामीटर। थर्मामीटर का संबंध तापमान से दे रखा है, तो एनमोमीटर का क्या होगा, तो तापमान को मापता है थर्मामीटर। एमीटर किसको मापता है, एमीटर जो धारा का मापन करता है, तो 121 का आंसर आ जाएगा बी वाला धारा। तो करंट को मापने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों यहां से आपका क्या हो जाएगा, एमीटर होगा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका क्या है, धारा आ जाएगा। धारा यानी कि करंट, और एमीटर इसका एक मापक है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। दोस्तों एक आपको सीरीज दे रखी है, इस सीरीज में अगला नंबर कौन सा आएगा ये आपको बताना है, 0, 2, 6, 12। चलिए फिर सभी लोग बताएंगे यहां से करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा। तो इस श्रृंखला का अगला पद आपको निकालना कौन सा आएगा, आपको दिया गया 0, 2, 6, 12, 30, 42। यहां पर क्या आएगा आपको निकालना है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ओके चलिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 घटाए 2 आ गया, 1 का स्क्वायर में से 1 घटाया 0 आ गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर में 3 घटाया 3 दिया 9 में 3 दिया 6, ठीक। 4 का स्क्वायर में से हमने 4 घटाया 4 चौक 16 4 गया 12 बचा। 5 का स्क्वायर किया हमने, यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर आपका 20 था, ठीक है ना, यहाँ पर एक अभी 20 है उसके बाद 30 आएगा, तो 5 का स्क्वायर करा 20 आ गया। 6 का स्क्वायर में से 6 घटाएंगे हमारा आ जाएगा 30, और 7 का स्क्वायर में से 7 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 42। ओके 42 आ गया। तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा, 8 का स्क्वायर करेंगे उसमें से 8 घटाएंगे, 8 2 64 64 में से 8 घटाया, तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा, 56 आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग का 56। तो सीरीज क्या चल रही है आपका, सीरीज चल रही आपका 1 का स्क्वायर घटाया 1, 2 का स्क्वायर में से 2 घटाया 3 का स्क्वायर में 3 घटाया, तो ऐसे ही हमने 8 के स्क्वायर में से 8 घटाया, तुम्हारा आ जाएगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी तरीके से प्रकार संबंधित है जैसे कि आपका पहला पद दूसरे से। चिकित्सक रोगी वकील क्या करता है, तो जैसे कि जिस प्रकार चिकित्सक रोगी से संबंधित है, तो वैसे ही आपका जो वकील है वो आपका अभियोक्ता से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा आपका अभियोक्ता। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। चलिए बताइए, 226 और 15 हमें दिख गया, यहां पर 15 का स्क्वायर करेंगे आप लोग, 225 आ जाएगा, 1 जोड़ देंगे हमारा आ जाएगा 226। अब ये 65 जो है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा, 64 में 1 जोड़ देंगे हमारा 65 आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा हमारे यहां से 8, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 5, 10, 17, 26, 37 अगला संख्या कौन सी आएगी, अगली संख्या आपको बताना है, 2, 2, 4, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17। देखिए यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है आपका, देखिए 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17 और 26 कितना होता है, 17 में 26 17 9 26, और 26 और 11 जो हो जाएगा 37, 37 और 13 क्या, मतलब 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13। तो यहां पर आपका 13 जोड़ेंगे 37, 7, 3, 10, 3 और 4, 5, 50। राइट आंसर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, अगली संख्या होगी आपकी 50। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में बैन का कोड आप लोग का DCP है, तो पापा का कोड क्या होगा आपको बताना है, BCD, ABC, NOP,
तो दो स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आपका देखिए पी से क्या जाएगा, पापा पी क्यू आर ए बी सी, पी क्या क्या है क्यू आर ए बी सी, पी क्यू आर ए बी सी, तो आर सी आएगा, यानी 26 का एग्जैक्ट आंसर क्या जाएगा, सही जवाब आएगा आप लोग का यहाँ से डी वाला। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में फाइल को लिखते हैं 7465, आइडियल को लिखते हैं यहाँ पर 4586, तो डी को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। देखिए डी तीन नंबर आ गया, ई पांच नंबर है, ए आपका देखिए यहाँ पर आठ नंबर है, और एफ आप लोग का देख सकते हैं यहाँ पर सात नंबर पे है, तो 3587 यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यदि टूथ का कोड है आप लोग का एस यू क्यू एस टी बी एस यू जी आई, तो लाइस का कोड क्या होगा आपको यहाँ पर यह बताना है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए टी का कोड आपको क्या रखा है, टी दे रखा है दोस्तों यहां से आप लोग का एस यू, ठीक है ना, तो एस टी यू, आपको आर दे रखा है दोस्तों यहां पर, इसलिए क्या रखा आपका क्यू आर एस, लॉजिक समझ रहे हैं दोस्तों आपका, एक स्टेप यहां पर आगे बढ़ रहे हैं, अगली बार में दोस्तों एक स्टेप यहां बढ़ रहे हैं, तो एक बार ऊपर जा रहे हैं दूसरा नीचे जा रहा है, तो वैसे आपको लाइस का लिखना है एल आई ई एस, ठीक है ना, तो यहां से दोस्तों आपका लाइस का क्या हो जाएगा के एल एम, तो के एम सबसे पहले हमारा जाएगा के एम, देखिए यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी है, फिर आपका क्या आएगा दोस्तों आपका एच आई जे, एच आई जे दूसरा आ जाएगा आपका एच आई जे, एच जे आ गया यहां पर आ गया है, और यहां पर नहीं है यहां पर नहीं, सीधे हमारा आंसर क्या जाएगा बी वाला हो जाएगा। तो लॉजिक समझ में आया, लॉजिक क्या लग रहा था, तो एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ से बी वाला, क्लियर है, 28 का आंसर आ जाएगा हमारा बी। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसी कूट भाषा में यदि बटर का कोड होता है ई एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू एच यू, तो मिल्क का कोड यहाँ पर दे रखा है पी एल ओ एन, तो अर्थ का कोड क्या होगा आपको यहाँ पर ये बताना है। देखिए दोस्तों आपको क्या दिया गया, अर्थ ई ए आर टी एच, अब ई के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या दिया गया आपको, बटर, बटर लिखते हैं यहाँ से हम लोग यहाँ पर ई एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू एच यू, तीन कोड आगे बढ़ना, देखिए बी से तीन से बढ़ रहा है बी सी डी ई, तीन स्टेप आगे बढ़ने हैं आप लोगों को बस, यू डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू एक्स टी यू वी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू ई एफ जी एच आर एस टी यू, वही आपका अर्थ में होगा, ई क्या क्या है आपका एफ जी एच, ए से क्या हो जाएगा दोस्तों यहां से आपका ए बी सी डी आ जाएगा, आर एस टी यू आ जाएगा, तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर आप लोग का क्या लॉजिक लग रहा है, तो हमारा आ जाएगा यू टी यू बी डब्ल्यू और एच आई जे के, हमारा आंसर आ जाएगा बी वाला एच डी यू डब्ल्यू के, तो अगर यहां से आपका आंसर बी आ रहा बिल्कुल सही होगा। मनमोहन प्रवीण का भाई है, प्रवीण जो है इसकी एकमात्र बहन की मां मनमोहन से किस प्रकार संबंधित होगी आपको बताना है, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे एग्जैक्ट आंसर यहां से आप लोग का क्या आएगा, तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं आपको क्या दिया गया, मनमोहन हमने मान लिया दोस्तों मनमोहन, ठीक है ना, मनमोहन जो है प्रवीण का भाई है, ये किसका भाई है आप लोग का, प्रवीण का भाई है, मनमोहन आप लोग का प्रवीण का भाई है, क्लियर है, और इसके अंदर प्रवीण की एकमात्र बहन की माँ, प्रवीण की दोस्तों बहन है, मान लिया प्रवीण की कोई बहन होगी, बहन की माँ की माँ, बहन की जो माँ है, ठीक ना, ये प्रवीण भाई है, भाई की एक बहन है, एकमात्र बहन है, इसकी माँ की माँ, तो माँ की माँ जो किस प्रकार संबंधित होगी, मनमोहन से किस प्रकार रिलेटेड है, तो देखिए अगर दोस्तों ये सब लोग आपस में भाई बहन है, प्रवीण है बहन है और मनमोहन ये आपस में भाई बहन है, तो माँ हो जाएगी इन लोग सबकी, और जो माँ की माँ होगी वो कौन होगी, नानी माँ होगी, तो यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा आपका ए वाला नानी होगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए सबिता कहती है वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे का बेटा है, चलिए फिलहाल अब देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है, एक फोटोग्राफ संकेत करते हुए सबिता कहती वह मेरे दादा के, तो सबिता के पिता वही तो दादा होंगे, तो ये होंगे सबिता के दादा, ठीक है ना, सबिता के पिता यानी कि दादा होंगे सबिता के, तो वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे यानी कि पिता
का बेटा है, एक मतलब बेटे का बेटा है, यानी दोस्तों ये कौन होगा, उसका भाई होगा। ठीक है, सविता का दोस्तों संबंधित कौन है, तो वो जो पुरुष है सविता का भाई होगा। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ए वाला। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग मुझे देंगे कमेंट के थ्रू। एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। तो गीता जो है, महिला जो है गीता से किस प्रकार संबंधित है, इसका जवाब आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से बताएंगे। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। फिलहाल देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, दी गई श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया दी गई श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगी, तो सभी लोग बताएंगे एग्जैक्ट आंसर यहाँ से आपका क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर आपको क्या दिया गया। एक सर्किल, सर्किल के अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल हो गया। तो फिलहाल आ गया आपको क्या रखा, स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्किल है, तो सर्किल के अंदर आप लोग का स्क्वायर हो जाएगा। सर्किल में स्क्वायर आपका ए वाले में दे रखा है, तो 33 का आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका ए वाला। जैसे कि ट्रायंगल आप लोग का सर्किल के अंदर था, अगली बार सर्किल क्या हुआ, ट्रायंगल के अंदर आ गया। अब सर्किल दोस्तों अंदर है, तो अगली बार सर्किल बाहर आ जाएगा, और ये चीज आपका स्क्वायर ये अंदर आ जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने। असंगत आकृति पहचान करें, असंगत आकृति की पहचान करें, सबसे असंगत आकृति कौन सी है, ये आप लोग बताइए। विकल्प डी जो है आपका, डी वाला जो सबसे अलग है, क्यों अलग है, देखिए यहां पर एक छोड़ छोड़ कर था, ठीक है। सवाल क्या दोस्तों, देखिए यहां पर आपके दो चेक के बॉक्स हैं, दो चेक यहां पर दो चेक हैं, लेकिन यहां पर कितने आ गए आपके, एक दो तीन और चार, इसलिए डी वाला सबसे अलग होगा। राइट आंसर होगा यहां से आपका डी, क्लियर है। इसके बाद देखते हैं 35 क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो दिए गए शब्दों के बीच उपयुक्त संबंध को निरूपित करती है। तो चलिए फिर बताइए, पक्षी, मछली और मुर्गी। तो बताएंगे दोस्तों यहां से फिगर कौन सा सही है 35 का, तो बिल्कुल जी हाँ दोस्तों ए वाला सही होगा। देखिए मछली तो पक्षी है नहीं, ठीक है, तो ये जो हो गया आप लोग का ये ब्लॉक, ये हो गया मछली। मछली का किसी भी तरीके से संबंध आता है ना तो पक्षी से ना मुर्गी से, और ये बड़ा वाला जो ब्लॉक है ये पक्षी, पक्षी में थोड़े बहुत आपके जाते कुछ मुर्गी है जिसमें कि मुर्गी एक पक्षी में आती है, तो ये हो जाएगा अंदर वाला मुर्गी, क्लियर है। तो यहां से आपका आंसर ए वाला आ जाएगा। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है। अब आपको बताना खेल फुटबॉल और छिपकली। तो दोस्तों यहां पर ही वही रहेगा, फुटबॉल एक खेल है, तो यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा ए वाला। छिपकली सबसे अलग है, ये छिपकली हो गई आपकी स्पाइडर, सॉरी ये आपको लिजार्ड, और ये आपका हो गया खेल बड़ा वाला, और ये अंदर वाला हो गया आपका फुटबॉल। फुटबॉल भी तो खेल है, खेल में और भी कई आते हैं जैसे कि टेनिस आ गया, क्रिकेट आ गया, फुटबॉल आ गया, तो ये सारे खेल ही तो है, फुटबॉल एक छोटा सा खेल है आपका इसमें। अब देखते हैं आप लोग अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए अब आपको देखें यहाँ पर क्या बताना है। कलम, पेंसिल और कागज। दोस्तों आपको बताना है कलम, पेंसिल और कागज। तो देखिए कलम भी अलग है, पेंसिल भी अलग है, कागज भी अलग है, तीनों आप लोग के अलग अलग दे रखे हैं। तो 37 का यहाँ से एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ए वाला। अगर दोस्तों यहाँ से आप लोग का आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल सही है, कलम अलग, पेंसिल अलग और कागज अलग, पेपर अलग, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दिया गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिया चित्र ए से लेकर बी तक, आपको दिया गया ए से लेकर बी तक में से सबसे जो है असंगत चित्र की पहचान कर। देखिए जैसे कि आर दे रखा है, अगर यहाँ पर सी से होगा आपका आर ऐसा हो जाएगा, अगर बी आपको ऐसा दे रखा है तो बी का आपका क्या बन जाएगा, आपका डी बन जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर आपको यहाँ पर ई दे रखा है इस तरीके से तो आपका यहाँ पर ई ऐसा बनेगा। अगर दोस्तों ये डी आपको दे रखा है यहाँ पर ऐसा बी वाले फिगर में, ठीक है ना, तो ये जो आपका डी ऐसे बन जाएगा, और बी आपको दे रखा है बी आपका यहाँ पर ये बन जाएगा। तो बताएंगे दोस्तों यहाँ से सबसे अलग कौन सा है, तो विकल्प डी जो है अन्य तीनों से भिन्न है। तो दोस्तों आपका जो विकल्प डी है ये अन्य तीनों से भिन्न है, तो आपका ये सबसे अलग है। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए आपका आर का आर रहा है, ई का ई हो गया, डी का डी हो गया, बी का बी हो गया, लेकिन यहाँ पर जो चीज बी थी ये आप लोग की यहाँ पर आकर डी बन गई है। तो सबसे अलग जो बनता है, असंगत चित्र बनता है, वो बनता है आप लोग का यहाँ से ऑप्शन डी। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, और एक बात और भी है, ये सारे कैपिटल है और ये आपका स्मॉल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यायाम, व्यायाम करने से हमारी बॉडी में तंदुरुस्ती आती है। वैसे दोस्तों आपका क्या होगा यहाँ पर, वैसे अभ्यास करने से, अगर निरंतर अभ्यास किया जाएगा तो व्यक्ति उसमें कुशल होता है, निपुण होता है, कुशल निपुण होता है, तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा।
अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन 3, 16, 125 कौन सा वाला आंसर आएगा दोस्तों बताइए। देखिए 3 में हमने एक जोड़ा हमारा आ गया 4, 3 में एक जोड़ा 4 आ गया, 4 का स्क्वायर करा हमारा आ गया 16, ठीक है ना। फिर दोस्तों हमारा क्या, देखिए 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया, यहाँ पर दोस्तों क्या किया हमने 4 में एक जोड़ा 5 आ गया, 5 का स्क्वायर करा 125 आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर ये 2 में एक जोड़ेंगे 3, 2 में एक जोड़ा 3, 3 दिया 9 नहीं आ रहा, 5 में एक जोड़ा 6 आ गया 36 आ गया, 7 जोड़ा 6 में एक जोड़ा 7, 7 को 340 यानी बी वाला आंसर सही है दोस्तों। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए फिलहाल दिए गए 4 युग्मों में से सबसे अलग युग्म को पहचानिए, सबसे अलग युग्म कौन सा होगा दोस्तों, यहां पर आप सभी को यह बताना है। सामाजिक विज्ञान, भौतिकी, गणित और बीजगणित। देखिए मैं आपको बताता हूं, 44 क्वेश्चन आपको जो दिया गया है इसका एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोगों का यहां से ए वाला, सामाजिक विज्ञान और भौतिकी ये गलत है। तो ये गणित, गणित का ही सब पार्ट होता है बीजगणित। विश्वविद्यालय में आप लोगों का हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय है, फल की श्रेणी में केला आता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान और भौतिकी इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है, यही सबसे अलग दिया गया है, इसलिए एग्जैक्ट आंसर यहाँ से क्या आएगा आप लोगों का दोस्तों, ए वाला आ जाएगा, क्लियर है ना। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। लकड़ी, लकड़ी को काट कर खंड बनाया जाता है, तो ब्रेड को काट कर क्या बनाएंगे दोस्तों, इस सही विकल्प का चयन करना है आप लोग को। चलिए आपको बताते हैं, जिस प्रकार लकड़ी को खंडों में काटा जाता है, ठीक है ना, जिस प्रकार आपके लकड़ी को खंडों में काटा जाता है उसी प्रकार ब्रेड के जो है स्लाइसेस होते हैं, ब्रेड को जो स्लाइड्स में काटा जाता है, तो एग्जैक्ट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का सी वाला, स्लाइड्स। तो दोस्तों यहाँ से सही जवाब आपका क्या होगा, ये होगा आपका सी वाला। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प की पहचान करें जो पहले चित्र का जल प्रतिबिंब हो। तो दोस्तों यहाँ से राइट आंसर आपका 46 का क्या होगा, ये आप सभी को बताना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, 46 का जो एग्जैक्ट आंसर होगा ये होगा हमारा यहाँ से ए वाला, ठीक है ना। तो विकल्प ए में दी गई आकृति की पहचान कीजिए दोस्तों, 46 का सही जवाब होगा हमारा यहाँ से ए वाला, क्लियर है। जल प्रतिबिंब की पहचान करनी थी दोस्तों, जल प्रतिबिंब में आप लोगों का यही बनेगा आपका ए वाला विकल्प, तो ऑप्शन ए अगर आपका आ रहा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार आप सभी के सामने। दिए गए चारों चित्रों में से सबसे अलग चित्र कौन सा है आपको यहाँ पर ये बताना है, सबसे अलग चित्र बताना दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 47। देखिए पहचान मैं आपको बताता हूं, सिंपल सी पहचान है ये दोस्तों आपका, देखिए साइड इतनी 1, 2, 3, 4 चार साइड है, तो अंदर भी कितने पॉइंट है, 4 है, 1, 2, 3, 4 5 साइड है, तो 5 पॉइंट होगा, 1, 2, 3, 4, 5 ये 3 है आप लोग के, तो अंदर भी पॉइंट कितने हैं, 3 है, लेकिन ये आप लोग के 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेकिन अंदर केवल आपके 4 ही है, तो सबसे अलग आपका होगा ए वाला पॉइंट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए फिलहाल दोस्तों 48 का बताना है आप लोग को। यहाँ दिए गए चित्र के किनारे से मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो कौन सा घन बनेगा ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों यहां से 48 का राइट आंसर क्या आएगा आप लोग का, ए बी सी या फिर डी, सही जवाब आएगा आप लोग का यहां से सी वाला, क्यों देखिए इसके विपरीत आपका ये आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई के विपरीत आपका ये रहेगा और ये जो है आप लोग का गोला ये इसके विपरीत रहेगा, क्लियर है। तो देख सकते हैं आपका या तो अगर ये आएगा, जैसे कि दोस्तों यहां पर आपका देखिए ये आ रहा है, जस्ट इसके पीछे ये होगा, तो ये चीज आपकी कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, तो बात खत्म हो गई। फिर आपका ये आ रहा है, इसके पीछे मल्टीप्लाई कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर आपका प्लस आ गया, प्लस के पीछे आपका ये नहीं दिख रहा है, तो मतलब हमारा आंसर सी वाला सही होगा, क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं, अगर डाउट लगे तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग इसको देखें, सर्कल दे रखा है ये, अब ध्यान दीजिए दोस्तों आपको देखिए डी वाले में ये दे रखा है, ये इसके विपरीत आपका ये आएगा, तो सामने कैसे आ गया, तो ये आपका गलत होगा, इसलिए दोस्तों यहां से आपका आंसर सी वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार आपके सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से चित्र 3 जो है किससे जो है ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसा कि चित्र 2 चित्र 1 से संबंधित है। सभी लोग बताएंगे हमारा राइट आंसर क्या होगा। देखिए 49 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला। एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा हमारा दोस्तों यहां से, ये आएगा बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। चलिए फिलहाल दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्या बताना, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अलग विकल्प यानी कि चित्र को पहचान, सबसे अलग वाला चित्र कौन सा है। तो देखिए सबसे अलग जो है आपका चित्र है
ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है, या फिर आप लोग का डी वाला है। बहुत ही ध्यान से देखना तभी आप लोग बता सकते हैं। एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा आपका यहाँ से डी वाला, सही जवाब होगा दोस्तों आपका डी वाला। तो फिलहाल दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज मैंने पूरा पेपर आज आप लोग को यहाँ पर आरक्षी पुलिस नागरिक का सॉल्व करवा दिया है, और मैं ऐसे ही आप लोग को UPSI का ही पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सारे पेपर आप लोग के जितने भी पुलिस के पेपर हुए हैं वो सारे आपको कंप्लीट कराऊं, एक एक क्वेश्चन को समझाऊं, तो आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो कसम वर्दी की इस बार आप लोग पहनकर ही रहेंगे, बिल्कुल वर्दी लेकर रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ BSA ट्रिकी क्लासेस में। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो ज्यादातर वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी एक और प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ, बने रहिए आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।